स्यन्नात्मणिमायया भूतं यथा निद्रया यः साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मा तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये योऽन्तप्रविश्य मम वाचमिमां प्रषुक्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्ति त्यधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषायितुम्भ्यम् यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारकम् अध्यात्मदीपमतिरशतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यासूनुपयामि गुरुं मुनीनाम् अखण्डनन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात्परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीमारायण नारायण नारायण श्री एन श्रीम नारायण नारायण नारायण

श्रीमन श्रीमन्नारायण नारायण Sadhguru, the Guru Nara Yen, Nara Yen, Nara Yen, said the Guru Yen, said the तक पहुंचाने में बहुत बड़ा महात्म धर्म का होता है यदि हमारे जीवन में धर्माचरण नहीं है तो हम अपने लक्ष्य तक निर्विघ्न नहीं पहुंच सकते हैं धर्माचरण का अभिप्राय विधि निषेध जीव को क्या करना है और क्या नहीं करना है किसमें करने से लाभ है और किसमें करने से हानि है वैसे तो सनातन धर्म में सबसे एक विलक्षणता है जीवन के विज्ञान को ऋषियों ने अपने साथ धर्म के साथ जोड़ दिया है आज जैसे कोई जीवन में अच्छी आदत डालनी हो तो उसके साथ स्वास्थ्य के साथ जोड़ दो तो लोग तुरंत मान जाएंगे आपको कोई भोजन न करना हो तो आप ये कहो कि हमको ये भोजन अच्छा नहीं लगता है या खाने का मन नहीं है तो लोग आपको ज़बरदस्ती खिलाएंगे और कहेंगे वो वाला भोजन अच्छा नहीं लगता होगा इसका स्वाद बहुत अच्छा है आग्रह करेंगे किंतु यदि आप कह दो कि मुझे डॉक्टर ने मना कर रखा है फिर कोई नहीं कहेगा कि खा लो क्यों नहीं कहेगा क्योंकि कारण क्या है लोगों को आजकल स्वास्थ्य का तो महत्व है किंतु अपने मन का महात्म नहीं है पहले लोगों को शरीर तो स्वस्थ रहता ही था क्योंकि आहार आदि सब ठीक होते थे तो महत्व देना पड़ता था मन का इसलिए बहुत सारी चीज़ें भोजन में आचरण में हमारे साथ जो जोड़ी गई हैं उसके साथ जीवन विज्ञान है और वो जीवन विज्ञान इतना रसीला जीवन विज्ञान है यदि हम उसका आचरण करें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में दुख आएगा ही नहीं और धर्म की एक बड़ी विलक्षणता और भी है धर्मों रक्षति रक्षता जो धर्म की रक्षा सुरक्षा करता है फिर धर्म उसकी रक्षा सुरक्षा करता है आजकल कर हमको किसी ने बताया है वो तो अलह भाई ज़्यादा जानेंगे अपने को उससे ज़्यादा मतलब नहीं है कहते हैं जब गाड़ी खरीदनी होती है तो आप चाहो या न चाहो उसका बीमा ज़रूर कराना पड़ेगा आप चाहो या न चाहो गाड़ी कहीं पकड़ी जाती है तो देखते हैं इसके बीमा के कागज तैयार हैं कि नहीं है और बीमा करवाने में पैसा लगता है कि नहीं अलह भाई लगता है हर साल करवाना पड़ता है हर साल पैसा भरना पड़ता है किंतु सब लोग खुशी खुशी भरते हैं कोई कर नहीं भरता है क्यों खुशी खुशी भरते हैं क्योंकि उसको पता है कि कभी कोई दुर्घटना घटेगी तो ये बीमा वाले हमको पूरा लाभ देने वाले हैं हमारी गाड़ी की मरम्मत कराएंगे और भी जो हानि होगी कानून के अंतर्गत हुआ निश्चित रूप से हमको सुरक्षित करेंगे हमको लाभ होगा इसलिए हम प्रसन्नता से बीमा करा लेते हैं ऐसे ही यदि हम धर्म का आचरण करते हैं तो उस समय भले आपको अच्छा न लगे किंतु दिमाग में ये होना चाहिए कि जब कोई दुर्घटना घटेगी तो ये धर्म हमारे काम आने वाला है और निश्चित रूप से आने वाला है और दुर्घटना जब घटती है तो किसी को बताकर नहीं बताती आती है कि हम ये घटना घटने वाली है आजकल तो स्वास्थ्य बीमा भी करवाते ही हेल्थ बीमा, हेल्थ बीमा करवाते हैं और हमको तो कई लोगों ने यह भी बताया कि दो तीन साल तक भरते रहो ना भी कोई बीमारी हो तो कुछ आराम करना हो तो लग्जरी हॉस्टल में चले जाओ तो वहाँ रहने की खाने की शांति की सब व्यवस्था बीमा वाले करते हैं करते हैं कि नहीं करते नहीं करते करते हैं कानून बता डॉक्टर का देना पड़ेगा कि भाई ये मामला है ऐसे जाओगे तो नहीं किंतु तो डॉक्टरों को भी फायदा होता है तो तुरंत लिख देते हैं उनको भी फायदा है तो सब लोग फायदे की बात सोच करके वो बीमा करवाते हैं पूरे घर का हमको भी लोग कहते हैं कि पूरे आश्रम का बीमा करवा दो सलाह देते हैं कि कोई बीमार होगा तो डरना पड़ेगा तो हमने तो पहले से करवा रखा है बीमा हमारे बीमा के मालिक ठाकुर साहब हैं उनकी एजेंसी में हमारा बीमा है तो जहाँ कोई बीमार होता है तो ठाकुर किसी को भेज देते हैं अपने एजेंट को चलो भाई इसका इलाज तुम कराओ इसके लिए हम लोगों को ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है तो मैंने ये तो आपको उदाहरण दिया धर्मराज श्री युधिष्ठिर जी महाराज की वंश परंपरा में विष्णुराट श्री परीक्षित हुए अब इस वंश में तो भगवान सेवक बन के रहते थे पांडवों का सौभाग्य था कि भगवान उनके मित्र भी थे भगवान उनके रक्षक भी थे भगवान उनके सेवक भी थे जहाँ जो भी उपयोगिता हुई भगवान ने पांडवों के लिए सब कुछ किया महाभारत में तो ऐसे ऐसे दृश्य हैं कि कई बार हृदय भर आता है कि ठाकुर ऐसा भी करते हैं क्या राजसु यज्ञ में श्रीमान जी सबके चरण धोते हैं जूठी पत्तल उठाते हैं महाभारत युद्ध में ड्राइवर का काम करते हैं सारथी का काम करते हैं यहाँ तक वर्णन है हमने सुना है संतों के मुख से कि श्रीमान जी द्रौपदी के चप्पल उठा के भी दौड़ते हैं तो परमात्मा का ऐसा साधारणीकरण शायद साध किसी परिवार में हुआ हो जितना पांडो के परिवार में हुआ है सब कुछ होने के बाद भी उनके जीवन में दुर्घटना घटी किंतु दुर्घटना घटने के बाद लाभ हुआ क्योंकि परीक्षित जी महाराज ने बीमा करा रखा था आप कहोगे कौन सा बीमा करा रखा था जब वो राजा थे तो उन्होंने देखा कि वृषभ के पैरों को कोई तोड़ रहा है कल मैंने सुनाया था तो वृषभ है धर्म अब यदि कोई उसके चरणों को तोड़ रहा है तो उन्होंने ये परवाह नहीं की कि यह तो पशु है और ये तो जंगल में रहता है हमारी ड्यूटी केवल मनुष्यों की रक्षा के लिए हम राजा बनाए गए हैं परीक्षित जी महाराज ने उस वृषभ की भी रक्षा की वृषभ था धर्म अब संयोग से क्या हुआ जब परीक्षित से गलती हो गई गलती क्या हो गई ये सामान्य गलती आप सबसे हम सब से हो सकती है भूख में प्यास में थके होने पर कई बार अपनी बुद्धि काम नहीं करती है आप देखना भूख भी तेज लगी हो तो गुस्सा आती है और बहुत व्यक्ति थका हुआ भी हो तब भी उसको गुस्सा आती है तो थका हुआ व्यक्ति एक तो शिकार खेलने गए थे थके हुए थे और दूसरा भोजन भी चाहिए था तीसरी प्यास भी लगी थी और राजा होने के नाते ये प्रजा का कर्तव्य है देखो उदाहरण के लिए मैं बताऊँ कोई कितना बड़ा भी महात्मा क्यों ना हो यदि उसके स्थान पर प्रधानमंत्री आ जाए राष्ट्रपति आ जाए तो महात्मा को भी उसका सम्मान करना चाहिए क्यों सम्मान करना चाहिए क्योंकि राजा के अंदर ईश्वर के गुण होते हैं अभी तो आप लोगों को ये संस्कृति देखने को नहीं मिली मैंने देखा नेपाल में जब वहाँ प्रजातंत्र नहीं था राजतंत्र था तो मेरा नेपाल में बहुत जाना होता था तो प्रत्येक घर में जहाँ ईश्वर का स्थान होता है ठाकुर जी का स्थान वहाँ पर राजा और रानी की फोटो लगी होती थी और लोग राजा और रानी को ईश्वर के समान ही पूजते थे क्योंकि राजा में ईश्वर का अंश होता है तो ये परंपरा होती है कि किसी आश्रम में किसी स्थान में यदि राजा पहुँच जाए तो उसका सम्मान होना चाहिए किंतु राजा का सम्मान हुआ नहीं क्यों नहीं हुआ क्योंकि वहां कोई था ही नहीं तो देखा कि एक वृक्ष के नीचे ऋषि बैठे हैं उनकी आंखें बंद हैं तो उनको क्या भ्रांति हो गई ये भ्रांति ही थी भ्रांति माने सच्चाई कुछ और है दिखाई पड़ने लगे कुछ और तो उनको लगा कि ये ऋषि पहले से समाधि में नहीं बैठे थे जैसे हमको आता हुआ देखा ऐसे ये समाधि में बैठ गए और इनका कर्तव्य था कि मैं अतिथि भी हूँ राजा भी हूँ नियम तो ये है कि अतिथि अपने दरवाजे पर आ जाए आप उसका नाम भी न जानते अतिथि का अभिप्राय ही है ये घर वाले रिश्तेदार अतिथि नहीं होते ये तो टेलीफोन करके आते हैं मोबाइल में बता के आते हैं किंतु तो जिनके आने की तिथि न हो समय न हो वो अतिथि होते हैं और हमारे यहाँ अतिथि देवो भव अतिथि परमात्मा है तो यदि कोई अतिथि आ जाए तो नियम ये है कि उसको भोजन कराओ पानी पिलाओ अगर ये भी न कर सकते हो तो आसन दो अगर ये भी ना कर सकते हो तो मधुर वाणी बोलो अगर आप ये चीजें नहीं कर पाए और अतिथि आपके घर से चला गया तो अतिथि वो आपका पुण्य लेकर चला गया और यदि आपने ये कर लिया तो अतिथि अपना पुण्य देकर चला गया दोनों में हानि भी है लाभ भी है अगर आपने मीठी वाणी से सम्मान से उसका स्वागत कर लिया तो वो अपना पुण्य देकर चला गया आप चाहो या ना चाहो चाहो या न चाहो पास में आए अभी मैं अपने ओम भवन में था तो कुछ महर्षि का लोड करना था लोड हो नहीं रहा था तो मैंने आनंद से कहा कि यहाँ का वाईफाई का तुम उसको करो तो आनंद ने अपना मोबाइल ले जाकर पास में किया और बोले ये ले लेगा अपने आप पासपोर्ट पासवर्ड नंबर ले लेगा और ये आपको काम उसको डालना नहीं पड़ा वो ले लिया तो जैसे लिया तो मेरे दिमाग में आ गया कि पुण्य का भी मामला ऐसे ही है आपने सही ढंग से उसको प्रयोग किया तो जो पुण्य की पूंजी है उसका पासवर्ड चला गया दूसरे के पास उसने तुरंत पकड़ लिया अगर नहीं किया तो इधर पुण्य की पूंजी उधर चली गई ये सारा विज्ञान जो आजकल है मैं आपको मैं तो देखता रहता हूँ और बुद्धि हमारी चलती है तो अध्यात्म और विज्ञान का मैं समन्वय करता रहता हूँ तो आपको विज्ञान की निन्यानबे प्रसिद्ध बातें हम अध्यात्म से बता देंगे और अध्यात्म की निन्यानबे प्रसिद्ध बातें आपको हम व्यवहार में बता देंगे इस यंत्रों में बता देंगे क्योंकि ये नियम है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे इसका अर्थ जो हमारे शरीर में है वही सारे संसार में है और जो सारे संसार में है वही हमारे शरीर में है देखो दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध चलते रहते हैं और दैवासु संग्राम चलता रहता है ऐसे हमारे आपके शरीर में भी चाहे सो जाओ चाहे जगते रहो दैवासु संग्राम चलता रहता है दैवासो संग्राम क्या है रोग के कीटाणु हैं और निरोग के कीटाणु हैं दोनों आपस में झड़ते रहते हैं कि नहीं झगड़ते रहते हैं। और जब ये एंटीबायोटिक खाते हैं ना तो ये बम बारी है तो बम बारी है किंतु तो बम बारी में सावधानी रखनी पड़ती है कि कुछ बम तो ऐसे हैं कि अच्छा कितना भी हो दुश्मन पर बम मारा जाएगा तो क्या हानि अपने सैनिकों की नहीं होगी अपने सैनिकों की होगी आप भले रोग के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए गोलियां खाते हो किंतु स्वास्थ्य के कीटाणुओं को भी वो हानि पहुंचाते हैं डॉक्टरों से पूछ लेना ऐसा नहीं कि केवल रोग के कीटाणु ही मरते हैं स्वास्थ्य के कीटाणु भी मरते हैं उसमें हानि भले कम हो किंतु हानि उनकी भी होती है और ज़्यादा कहीं गड़बड़ी हो गई तो फिर दोनों गड़बड़ मामला है तो आइटम बम आदि मार दिए गए कुछ ऐसी गलत दवा खिला दी गई या दल गलत ढंग से ऑपरेशन हो जाए जैसे जितू भाई का हो गया तो फिर संभालना मुश्किल है अब भले वो स्वास्थ्य के लाभ के लिए हुआ किंतु प्रयोग सही नहीं हो पाया और वो गलती किसी से भी हो सकती है ऐसा नहीं कि गलती होती नहीं है तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा था पूरा का पूरा खेल जो पूरे ब्रह्मांड में है वही आपके शरीर में है हमको एक विज्ञान पता है ये चमत्कार नहीं बता रहा हूँ मैं अपने मन को किसी के मन से जोड़ सकता हूँ और जैसे मन से मैं मन को जोड़ूंगा तो उसके मन के सारे विचार मेरे में आने लगेंगे अब जैसे कभी विचार करना दो यंत्र एक साथ जुड़ जाते हैं आईपैड और आईफोन जुड़ गया तो आईफोन में जो जो चीज़ें हैं और कनेक्ट है उसको आप दे रखे हो तो आई फो में पहुंच जाएंगी कि नहीं पहुंच जाएंगी और इसी विज्ञान से मैंने इस विज्ञान को खोजा तो उसमें बड़ी हानि भी है हानि ये है कि सामने वाले के मन में तो बहुत कुछ खटपट चलती रहती है इतनी खतरनाक चीज़ें चलती रहती हैं आपको मैं क्या बताऊँ अब जैसे सहज है कभी आप तो इस शरीर को देख कर कहोगे बहुत अच्छा है महात्मा बन गया है श्रद्धा करनी चाहिए कभी थोड़ी देर के बाद दईवासुरवृत्ति जो बदली तो आपके चित्त में आएगा ये ठगने की विद्या है इसको काम करना चाहिए था ये काहे कोई विद्या करने के लिए बैठ गया है अब एक ही मन में आ रहे हैं तो आपके सद्विचार भी हमारा मन पकड़ेगा और असद विचार भी पकड़ेगा किंतु जब असद विचार पकड़ता है उस समय द्वेष न हो ये आपको आश्चर्य लगेगा कि ये हमने सबसे पहले प्रयोग अपने गुरु जी पर किया मान जी पर अब वो प्रयोग करने के बाद मैं बहुत दुखित हो गया क्योंकि कभी कभी मेरे प्रति उनके बहुत अच्छे भाव होते थे और कभी कभी गड़बड़ भाव होते थे एक दिन क्या हुआ कि वो साईं का उत्सव चल रहा था एक सज्जन कुछ आ, सामग्री चढ़ा गए महाराज जी के पास और वो हम प्रयोग कर रहे थे इस विद्या का अब वो चढ़ा करके चले गए तो सामान महाराज जी को स्वास्थ्य को डीला था मैंने सामान हटाकर दूर रख दिया पीछे जाकर रसोई में रख दिया कि उनके बिस्तर पर न रहे अब जैसे मैं गया तो उनको तुरंत दिमाग में आया कि इसमें रुपया था और इसने रुपया ले लिया लिफाफा था एक मैं बहुत दुखित हुआ उन्होंने हमको कहा नहीं और मैं बहुत दुखित हुआ कि मुझे चोर समझ रहे हैं ये और मैं कोई चोरी करने के लिए इनकी सेवा करता हूँ लिफाफा में कितना होगा तो उसमें था ही हज़ार रुपया तो हमने ला करके हज़ार रुपया उनको दिया उन्होंने कहा आप गलत सोचते हो तो मेरा मुख देखने लगे ऊपर से नीचे तक बोले तुमने तुमको कैसे पता चला मेरे मन में विचार आया फिर बाद में मैंने स्वामी गोविंदा जी महाराज से कहा कि मुझे सेवा में नहीं रहना है तो बोले क्यों नहीं रहना है तुमने कहा ये गलत सोचते हैं तो हंसने लगे और हंस करके बोले मैं इतने सालों से रहता हूँ मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते तो तुम्हारे ऊपर न करें तो क्या बड़ी बात है बोले तुमको ये ध्यान नहीं देना है तो बाद में जैसे मैंने विचार किया तो मुझे पता चला कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है आपको बताएं आप स्वयं प्रयोग करके देखना ये मैं विज्ञान बता रहा हूँ आपको जीवन विज्ञान फिर भागवत से जोडूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा और मैं चाहता हूँ ये भागवत आपके जीवन में उतरे और आपके जीवन को सुखी करे भागवत ये पोथी में उतरी न रहे आपके दिल में उतरे इसलिए इसका मैं साधारणीकरण करके नए नए प्रयोग करके चाहता हूं कि सबके मानस में भागवत जाए आप ये लिख करके कभी देखना जो जो आपके मन में विचार आए उन विचारों को डायरी में नोट करना फिर दो चार दिनों के बाद वो डायरी पढ़ना तो उन विचारों में कोई तारतम्य नहीं होगा कोई भी विचार एक जैसे नहीं होंगे तो जब आप आपको कई बार ये लगेगा कि पागल के विचार तो नहीं है ये होंगे विचार आपके उसके पीछे भी एक विज्ञान है और इस पर भी आप खूब प्रयोग करके एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक और एकादशी से लेकर अमावस्या तक इन तिथियों में आपके मन की स्थिति बिल्कुल बिगड़ी होगी और हमने खूब इसका प्रयोग करके छह महीने से ज्यादा प्रयोग करके देखा है अधिकतर लोग आत्महत्या इन्हीं तिथियों में करते हैं उसका कारण क्या है उसका कारण भी बता दो उसका कारण है कि चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है और नजदीक होने के कारण समुद्र में भी तरंगें उठती हैं आप देखना समुद्र में जो ज्वार भाटे आते हैं ना वो ज्वार भाटे आने की यही तिथियां हैं अन्य तिथियों में ज्वार भाटे नहीं आते और समुद्र छलता बहुत है क्योंकि पूरी प्रकृति में नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है नक्षत्रों का प्रभाव पड़ने के कारण चंद्रमा का मन से संबंध है और चंद्रमा का समुद्र से संबंध है तो जैसे चंद्रमा समुद्र को पास में पाकर के महाराज चंद्रमा उछलने सूर्य उछलने लगता सागर उछलने लगता है वैसे हमारे मन के विचार उछलने लगते हैं और मन के विचारों में कंट्रोल नहीं रहता है इसलिए जो हमारे सनातन धर्म के ऋषियों ने एकादशी को व्रत रखने की बात कही उसका कारण क्या है व्रत रखने से आपको मन में कंट्रोल करने का सामर्थ्य मिलेगा मन पर अनुशासन करने का सामर्थ्य मिलेगा किंतु गुजरातियों वाला व्रत नहीं कि इतने आइटम हो जाए उसमें कि एकादशी से ज्यादा हो हमारा रोज से ज्यादा हो जाए इसका ही आइटम इसका ही आइटम हल्का आहार फलाहार माने हल्का आहार उसमें अब सिंगाड़े का आटा हो जाए फिर उसमें हलवा हो जाए तो हलवा में तो फिर कितना घी पड़ता है बिना घी के तो हलवा बनेगा नहीं तो आपका भोजन हल्का हुआ कि गरिष्ठ हो गया फिर तो हम धोखा देते हैं अपने पेट को फलाहार के नाम पर अपने को धोखा है लोगों को लगेगा कि अरे महाराज ये तो रोज फलार करते हैं और फलाहार में रोज जबरदस्त माल खाए जा रहे हैं तो जिस उद्देश्य से किया गया था उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी इसलिए भागवत में एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम मैंने वो भी तिथि निकाली है राजर्षि परीक्षित को जिस दिन श्राप लगा था राजर्षि परीक्षित से जिन तिथियों में गलती हुई थी आप देखना वो गलती तिथियां भी यही है तो भावा वेश में मना वेश में उनको ध्यान नहीं रहा और सर्प की माला पहना दी तिथियों के आवेग के कारण अब पहना देने के बाद जब ऋषि के पुत्र को पता चला तो ये रक्षति रक्षता धर्म की रक्षा की थी कभी परीक्षित ने तो उस ऋषि के बालक के मुख से ये नहीं निकला कि अभी हमारे पिताजी को इसने सर्प की माला पहनाई है और अभी तक काट ले कह सकते थे किंतु उन्होंने सात दिन का समय दे दिया ये जो सात दिन का समय मिला ना ये धर्म की रक्षा की वजह से लंघित मर्यादाम तक्षक सप्तमे हनी इसने मर्यादा का उल्लंघन किया है सातवें दिन इसको तक्षक काट ले अच्छा धर्म की एक विशेषता और देखो उनके जीवन में धर्म था तो उसका प्रतिफल यह हुआ जैसे परीक्षित को पता चला कि हमको सात दिन के बाद तक्षक सर्प काट लेगा तो राजा थे कह सकते थे कि भाई ये तो न्याय मेरे साथ नहीं हुआ मैंने तो मरा हुआ सर्प डाला था और इसने उनको मृत्युदंड दे दिया मैंने तो कोई जिंदा सर्प डाला नहीं था तो मैं इसका प्रतिशोध करूंगा और यदि प्रतिशोध के चक्कर में लग जाते तो उनका सात दिन समाप्त हो जाता आपको बताएं अपने जीवन में आप सबसे हमारी प्रार्थना है बच्चों को भी आप लोगों को भी सबसे ज्यादा यदि कीमत करने लायक किसी चीज की है तो समय की है पैसा तो एक बार आया और चला जाएगा और चला गया तो दोबारा भी कमा लोगे कई बार स्वास्थ्य भी यदि खराब हो गया तो आप दोबारा उसको ठीक कर लोगे किंतु जो समय चला गया वो किसी कीमत में आपको मिलने वाला नहीं है अब यदि अलह भाई पचास साल चले गए मानो अपने के पचपन साल चले गए फिफ्टी फाइव चले गए समझ लीजिए फिफ्टी फाइव आप सौ करोड़ रुपए देकर के उसमें से भी पांच साल आप नहीं पास पाओगे किसी को कहो कि हमको थोड़ा पीछे कर दो नहीं होगा हम जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनको बच्चों को कहा करते हैं कि अभी कहीं दिमाग मत लगाओ ये तुम्हारे पढ़ाई का समय है खूब आनंद करो और पढ़ाई करो बाद में तो जिंदगी भर पैसा कमाना है तो यह समय दोबारा आने वाला नहीं है तो जो समय हमको मिला है उस समय का सदुपयोग करना बुद्धिमानी है और उसका पूरा प्रयोग करना चाहिए वो जैसे लोग निबू निचोड़ते हैं ना तो एक भी रस छोड़ते नहीं उसमें कि इसके साथ चला ना जाए इसको अच्छे ढंग से निचोड़ लो ऐसे समय को अच्छे ढंग से निचोड़ना चाहिए समय को निचोड़ना सीखें पूरे समय का सदुपयोग करें आप डायरी बनाएं, 24 घंटे में आप क्या क्या करते हैं इसकी एक लिस्ट बनाएं, फिर आप अपने लिए कितना जीते हैं आप उसकी भी लिस्ट बनाएं, परिवार के लिए इतने घंटे दिए फैक्ट्री के लिए इतने घंटे दिए शरीर के लिए इतने घंटे दिए किंतु आप ये पता लगाओ कि आपने अपने लिए कितने घंटे दिए जो आपके अपने हों और जो समय का सदुपयोग करता है समय नाम ईश्वर का है समय किसका नाम है ईश्वर का है काल नाम परमात्मा का है समय नाम परमात्मा का है तो समय का सदुपयोग करें और जो समय का सदुपयोग करता है समय उसका साथ देता है किंतु जिसकी कीमत आप करोगे वही तो आपकी कीमत करेगा आप छोटी सी बात है आप कपड़ों की कीमत ना करो जहां चाहे वहां फेंक दो जैसे चाहो वैसे पहन लो तो फिर कपड़े आपकी कीमत करवाएंगे कहीं ये छोटे से कपड़ों की कीमत करनी पड़ती है कि दाग ना लग जाए इसमें खराब ना हो जाए इसमें कौन सा कपड़ा कहाँ पहनना है इसका भी आप ध्यान देते हो और किन कपड़ों के पहनने से आपको कहाँ इज्जत मिलेगी इस भी ध्यान रखते हो आप नाइट ड्रेस पहन करके ऑफिस नहीं जाओगे क्यों नहीं जाओगे उसमें आपको सुविधा जारूज रात्रि के जो ड्रेस हैं पहनने में सुखद हैं उठने बैठने में सब में सुखद हैं किंतु आपको पता उन कपड़ों से हमको इज्जत मिलने वाली नहीं है तो आप जब कपड़ों का इतना ध्यान देते हो छोटी सी चीज को तब आप क्या समय का ध्यान नहीं दोगे उन्होंने तुरंत ध्यान दिया कि मेरे पास सात दिन है सात दिन में हम दूसरे पर इस समय का प्रयोग करने वाले नहीं हैं हम सात दिन को पूरा प्रयोग करेंगे किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे क्योंकि दुश्मनी करके मिलेगा क्या अब तो समय निर्धारित है उसको टाला नहीं जा सकता है तो तुरंत जैसे पता चला तो भगवान का उपकार माना और घर द्वार छोड़ करके गंगा किनारे जाकर बैठ गए अच्छा देखो फायदा क्या हुआ कि जिस ऋषि ने श्राप दिया था वो भी ऋषि आ गए वहां ऋषिंग भी आए आप लोग कभी नैमिशारण जाने का अवसर अपने सुक्ताल जाने का अवसर मिले तो महाराज जी के द्वारा ही प्राण प्रतिष्ठित हैं सुखदेव जी वहाँ मंदिर है हमको लगता है आज से करीब सत्तर वर्ष पहले शायद स्थापित हुआ होगा वहाँ पर सुखदेव जी के सामने ऋषि सिंह भी बैठे हुए हैं, वो भी पहुँच गए अगर दुश्मनी होती तो वो पास में जाते कि हमने तो श्राप दे दिया वो कहीं वहाँ से बाणी ना मार दे हमको किंतु तो उनको इतना भरोसा था कि राजा धर्मात्मा है वो वही काम करेगा जो धर्म कहेगा कानून के विपरीत काम करने वाला नहीं है इतना भरोसा उसके पिताजी सारे लोग आए कहाँ तक कहें वेद व्यास जी आए पराशर आए पुंडरीक आए चवन आए परशुराम आए भृगु आए मार्कंडे आए वशिष्ठ आए गौतम आए मेधातिथि आए देवल आए देवरात आए छाया सुख आए सब आए सबको प्रणाम करके एक ही प्रश्न था कि जिसकी मौत समीप हो उसे क्या करना चाहिए अपनी लक्ष्य पर दृष्टि देखो एक आवश्यक से एक और भी है जीवन में एक लक्ष्य बनाना चाहिए व्यापार में भी लक्ष्य बनाना चाहिए जीवन में भी लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमें वहाँ चलना है और उसके आधार पर ही व्यापार होना चाहिए जब हमारे उद्देश्य है ना वहां पहुंचने का तो उसके आधार पर उनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था कि मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए क्योंकि मौत समीप है तो किसी ने कहा ध्यान करो किसी ने कहा ज्ञान करो किसी ने कहा यज्ञ करो किसी ने कहा जप करो किसी ने कहा स्वाध्याय करो अब बेचारा चलने वाला एक और रास्ते हजार आजकल यही दशा होती है साधक कन्फ्यूज हो जाता है आप जिस महात्मा से मिलो अपने कल्याण की बात पूछो तो कोई कहेगा जप करो कोई कहेगा ध्यान करो कोई कहेगा स्वाध्याय करो कोई कहेगा शिवजी सर्वश्रेष्ठ है इनकी पूजा करो कोई कहेगा कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है इनकी पूजा करो आप व्यक्ति करने वाला तो एक है और बताने वाले इतने आजकल बच्चे भी कन्फ्यूज हो जाते हैं मम्मी कहती ये करो पापा कहते हैं ये करो अब मम्मी की बात माने कि पापा की बात माने और घर वाली कहती है ये करो अब बेचारा करने वाला तो एक ही है अब घरवाली की बात न सुने तो कमरे में गड़बड़ी है और पापा की बात न सुने तो ऑफिस में गड़बड़ी है और यदि मम्मी की न सुने तो टेबल पर गड़बड़ी है अब किस किस को झेले जी कई बार हो जाता है कि हम करें क्या और दादा दादी हो ना तो और मामला दो और जुड़ गए दादा कहेंगे ये करो दादी कहेगी ये करो अब बच्चा करे तो क्या करे वो निर्णय नहीं ले पाता कि क्या करें हम कहाँ जाए किससे कहें और बीच बाच में नानी जी मिल गई वो भी उपदेश देकर जाएंगी और मामा जी मिल गए तो वो भी उपदेश दे के जाएंगे क्योंकि यहां भारत में उपदेश बहुत सस्ता है और सबको देने की आदत है अच्छा पूछो या ना पूछो तब भी लोग देंगे आप पूछो भी नहीं ना क्या कर रहे हो इस समय पढ़ रहा हूं क्या पढ़ रहे हो ये पढ़ रहा हूं तो ये विषय क्यों नहीं लिया अरे भाई पढ़ना मेरे को है विषय निर्धारित मेरे को करना है सबको एक दूसरे के उसमें लाइफ में डिस्टर्ब करना है तो अब व्यक्ति करे तो क्या करे कोई निश्चय नहीं हो पा रहा था इतने में ये देखो ये सबसे बड़ी बात है धर्मात्मा के जीवन में और भक्त के जीवन में भक्ति में बहुत शक्ति है और भक्ति की शक्ति ऐसी है जो व्यक्त नहीं उसको व्यक्त कर देती है परमात्मा व्यक्त नहीं उसको व्यक्त कर देना ये भक्ति की शक्ति है जो मूर्त नहीं उसको मूर्त कर देती है जो बोलता नहीं उसको बुला देती है जो चलता नहीं उसको चला देती है आत्मा का जो इधर उधर गमन नहीं है किंतु आत्मा को भी परमात्मा बनाकर वो चला दे भक्ति की शक्ति है तो साक्षात भगवान जिन्होंने गर्भ में रक्षा की थी वही सुखदेव बन करके प्रकट हो गए ये सुखदेव जो भागवत महापुराण के सुखदेव हैं ये महाभारत के सुखदेव नहीं है ये भागवत के अपने सुखदेव हैं तो आप कहोगे भागवत के अपने सुखदेव कैसे हो गए सुखदेव तो सुखदेव हैं कई बार ध्यान रखना आप लोग तो यहां गुजरात में पैदा हुए हो नरसी मेहता का जो भात भरने के लिए भगवान गए नरसिंह मेहता का रूप रख करके चले गए भगवान नरसिंह मेहता तो घर में थे नरसिंह मेहता ने क्या किया किसी के सहयोग के लिए केदारा राग भेज दिया अब वो गा नहीं सकते थे राग केदारा, केदारा राग से भगवान प्रकट होते थे अब जैसे केदारा राग वो दे नहीं सकते थे राजा ने परीक्षा के लिए नरसिंह मेहता को जेल में डाल दिया अब वो कहा कि केदार गाओ तो केदार गा नहीं सकते थे क्योंकि वो किसी को सेठ के यहाँ गिरवी भी रखाए थे और जब तक उसको पैसा दे नहीं तब तक वो गाएने और उनके यहाँ पर्ची रख गई थी कि यह है तो भगवान स्वयं नरसी मेहता बनकर उस सेठ के यहाँ गए वो नरसी मेहता तो जेल में है अंदर और भगवान ही नरसी मेहता बन के गए और जा के केदारा राग छुड़ा लाए और वो पैसा दे आए उसको लगा कि नरसिंह मेहता ही आए थे तो भगवान और आ करके जो उनको दिया कि मुक्त हो गए तो तुरंत गाया तो बंधन मुक्त हो गए तो कई बार व्यक्ति तो बना रहता है भगवान व्यक्ति का ही रूप धारण करके वहाँ पहुँच जाते हैं तो सुखदेव जी महाराज का यहाँ रूप धारण करके भगवान स्वयं आए इसलिए जितने गुण आपको आश्चर्य लगेगा भागवत में श्री कृष्ण के अड़तीस गुण हैं श्री कृष्ण के तीस गुण और सुखदेव जी महाराज के अड़तीस गुण हैं ये जो प्रथम स्कंद का उन्नीसवा अध्याय है उसमें श्री सुखदेव जी के गुणों का वर्णन है इतने सुंदर थे सुखदेव जी महाराज कि बहुत सारी स्त्रियां उनके पीछे भाग रही थी सोलह वर्ष के ही थे द्वयष्ट वर्षम सुकुमार पादम और कुछ बच्चे भी उनके पीछे भाग रहे थे बच्चों को लगता था कोई पागल व्यक्ति है कुछ बोलते नहीं थे और स्त्रियों को लगता था इतना सुंदर पुरुष नहीं देखा तो न स्त्रियों के प्रति उनका आकर्षण था और न जो बच्चे उन पर धूल डाल रहे थे व्यंग कस रहे थे गालियां सुना रहे थे न उनकी उपेक्षा थी जीवन में जब समता आती है तो बहुत सम्मान करने वालों के पीछे चित्त भागता नहीं है जैसे हम लोगों के जीवन में जो सम्मान करता है उसके पीछे हम भागते हैं प्यार देता है उसके पीछे भागते हैं और जो हमारी निंदा करे उसको हम आंख से देखना भी नहीं चाहते अपने को पता चल जाए कि शिल्पी की कोई ऐसी ऐसी बात कहता शिल्पी देखेगी यहाँ काय को आ गया ये यहाँ भी पीछे आ गया किंतु तो महापुरुष लोग ऐसे होते हैं हमारे अनुभव में ऐसे महापुरुष हैं कि उनको उनसे द्वेष करने वाला उनको गाली देने वाला और उनके सामने आ जाएगा तो कहेंगे कुर्सी डालो बैठा लो इनको ये तो हमसे बहुत प्रेम करता है उसको गाड़ी तक छोड़ने जाएंगे तो पहले मैं समझता था कि लगता है इनसे डरते हैं क्या ये वो डरते नहीं हैं उनकी सहज प्रवृत्ति है क्योंकि दोनों में समता है और हमने पूजे डॉक्टर स्वामी जी महाराज में गुण देखा पूरा का पूरा हम तो इन महापुरुषों में आपको बताएं जितने साधु के गुण होते हैं भागवत में गुणों का वर्णन है साधु के हमने सारे गुण महाराज जी में घटाए ऐसा एक गुण नहीं था जो महाराज जी में न हो हमने कई बार बैठे बैठे श्लोकों को मिलाता रहता हूं और महाराज जी के गुण मिलाता रहता हूं बैठे बैठे तो सारे गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं तो साधुओं में समता का व्यवहार होता है अगर समता नहीं तो साधु नहीं अगर साधु ये नहीं समझना कि कोई साधु वेश से होता भागवत में वेश का वर्णन नहीं साधु के कि ये तिलक लगा ले ये कपड़ा पहने ये तो यूनिफॉर्म है जी जैसे नावर नार क्या अपन नारायण पावर टेक में जाओ तो शर्ट अपने को भी वैसे ही पहननी पड़ेगी मालिक भी जाए तब भी उसको पहनना पड़ता है हमको सोचते थे केवल कर्मचारी को पहनना पड़ता है तो यूनिफार्म हो गया कि नहीं हो गया कंपनी का ऐसे ये साधु की कंपनी का यूनिफॉर्म है जी लाल वस्त्र इससे साधुता से कोई लेना देना नहीं है कि कोई लाल कपड़ा पहन ले तो साधु हो जाएगा या कोई सर में सर घटा ले साधु हो जाएगा या कोई बाल रखा ले साधु हो जाएगा इससे कोई साधुता का लेना देना नहीं जिसके अंदर साधु के गुण हो वो साधु है अभी हम आपको सुनाएंगे साधु के गुण कैसे होने चाहिए तो मैं निवेदन कर रहा था आपको सुखदेव जी महाराज में सारे गुण थे और जैसे वो आए तो सब लोग खड़े हो गए इनके पिता भी खड़े हो गए वेद बाबा भी खड़े हो गए पराशर पर बाबा बाबा के भी बाबा महाराज वो भी खड़े हो गए वशिष्ठ महाराज सब ने खड़े होकर स्वागत किया उसका कारण क्या था क्या बच्चों का स्वागत करना चाहिए माँ बाप को कभी कभी करना भी चाहिए ये भी ध्यान रखो कैसे करना चाहिए पदत्वेन आजकल एक समस्या है उसको समझने लायक है बच्चे नौकरी करना चाहते हैं किंतु पापा के साथ ऑफिस में नहीं जाना चाहते नहीं बैठना चाहते इसमें बच्चों का दोष नहीं है हमारा दोष है क्यों दोष हमारा है अब आपने किसी पद पर बच्चे को बैठा है तो अब उस पदत्वेन आपको भी सम्मान वहाँ करना पड़ेगा वो पदत्वेन है क्योंकि यदि आप सम्मान नहीं करोगे तो दूसरे सम्मान करने वाले नहीं हैं और वासल एक ऐसी चीज है कि बच्चे चाहे कितने बड़े हो जाए हमको लगता अभी छोटे हैं तो हम कर्मचारियों के सामने भी उनकी डांट फटकार कर देते हैं कि तूने ये काम नहीं किया तूने ये नहीं किया तूने ये नहीं किया तो बच्चे कितने भी सुशील हों उसमें उनको बेजती लगती है और उनकी प्रतिभा गिरती है ध्यान रखना आपकी डांट फटकार से प्रतिभा गिर जाएगी मैं आपको सच बता रहा हूँ कोई बेटा गाड़ी चला रहा हो और उसकी माँ पीछे बैठी हो तो मैं उस गाड़ी में बैठता नहीं हूँ ड्राइवर वाली गाड़ी में बैठ जाऊँगा क्यों वो थोड़ा भी भगाएगा तो माँ कहेगी धीरे चला अरे कमाल है भाई वो सब जगह घुमा रहा है गाड़ी अच्छा कमाल की बात तो जिन माताओं को गाड़ी चलानी आती है उनको तो प्रणाम है वो बताएं तो ठीक भी है जिन्होंने कभी चलाया नहीं वो भी सिखाती हैं हमको लगता है कमाल की बात है और बच्चों को आएंगे धीरे चला धीरे 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 मैं कहता हूं माता जी का शोर मचा रही हो महाराज इसको चलाना नहीं आता है अरे इतनी बड़ी फैक्ट्री चला रहा है रोज गाड़ी लेके घूम रहा है अच्छा मां का भी दोष नहीं है उसमें वात्सल्य है और जहां वात्सल्य होता है वहां कितना कोई बड़ा बन जाए उसमें छोटा लगता है तो ये अगर आपको परिवर्तन चाहिए तो ये परिवर्तन भागवत से सीखना पड़ेगा वेद व्यास जी खड़े हो गए पराशर खड़े हो गए वशिष्ठ खड़े हो गए सब लोग खड़े हो गए और ये दिखाने के लिए नहीं उनको पता था कि हमारे अंदर ज्ञान तो है किंतु जैसा वैराग्य चाहिए नहीं है वैराग्य सुखदेव के अंदर है और यदि किसी के जीवन में ज्ञान के साथ वैराग्य हो तो स्वर्ण में सुगंध है स्वर्ण में सुगंध है अधिकतर लोगों को ज्ञान होता है किंतु वैराग्य नहीं होता है प्रवचन करना तो कोई भी कर सकता है यह अभ्यास का खेल है अले भाई आप मेरे साथ छह महीने रहो मैं आपको बहुत बढ़िया वक्ता बना दूंगा आप में गुण है वो अब वो आपकी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी वो जिम्मेदारी नहीं है किंतु ये वक्ता बनना कोई बड़ी बात नहीं है बड़ी बात है जीवन में उस ज्ञान को उतारना जो ज्ञान हम बोलते हैं वो ज्ञान हमारे जीवन में उतरा हुआ हो तो यदि जीवन में ज्ञान उतर जाए भले वो बोलता न हो किंतु आदर्श बन जाएगा ज्ञान को उतारना है ज्ञान को सीखना नहीं है बहुत ज़्यादा कई बार हम लोग सीखते हैं सीखना अच्छी बात है किंतु ज्ञान अपने लिए सीखना है दूसरों के लिए नहीं सीखना है दूसरों को नहीं बताना है दूसरों को बताने का अधिकार हमको किसने दिया है अपने ऊपर औषधि का आप प्रयोग कर सकते हो जो आपको डॉक्टर ने बताया मानो कोई डॉक्टर ने औषधि बताई अपने को औषधि लग गई हो तो जब जुखाम हो तो खा लो किंतु तो दूसरे को जुखाम हो और वही गोली आप बताने पहुंच गए तो ये आपको किसने अधिकार दिया है वो तो डॉक्टर देख बताएगा कि किस कारण से इनको ये जुखाम हुआ है आपने अपना प्रयोग दूसरे में चालू कर दिया यही आजकल होता है जो गोली अपने खाते हैं ना किसी चीज़ की ब्लड प्रेशर की डायबिटीज़ की तो कोई कहे मुझे ब्लड प्रेशर है तो तुरंत अपनी गोली निकाल के रख देंगे हाँ ये खाओ नहीं तो नाम तुरंत बता देंगे अरे भाई तुमको अधिकार किसने दिया है तुमको तो डॉक्टर किसी ने बनाया नहीं फिर तो ये बेचारे इतने साल पढ़ करके और डॉक्टरी प्राप्त करते हैं तो उनकी तो गई विचारों की कौन सुनेगा उनकी अरे आप ज़रा विचार करो मकान बनाना चाहते हो तो पर्दा कैसा होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को बुलाते हो जो उसका जानकार है दीवार कैसी होनी चाहिए उसको बुलाते हो जो जानकार है ये जड़ मकान दरवाजे कैसे होने चाहिए कहाँ दरवाजा होना चाहिए कहाँ ए लगना चाहिए कितनी लाइटें लगनी चाहिए इसकी जानकारी भी आप प्रयोग नहीं करते हो इसके पढ़े लिखे व्यक्ति को बुलाते हो तो क्या अपने जीवन को कैसे सुचारू रूप से चलाना चाहिए ये अपने आप निर्णय ले लिया इसके भी विज्ञान के जानकार लोग हैं विज्ञान के जानकार लोग हैं मन के विज्ञान के बुद्धि के विज्ञान के इंद्रियों के विज्ञान के विचारों के विज्ञान के ये सब के जैसे अलग अलग विषय के डॉक्टर होते हैं ना ऐसे अलग अलग विषय के दार्शनिक होते हैं कोई मन का दार्शनिक है कोई बुद्धि का दार्शनिक है कोई इंद्रियों का दार्शनिक है कोई आहार का दार्शनिक है उससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा तो उस वैसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिसके आप रोगी हो फिर वो जो औषधि आपको बताए वो जो प्रयोग बताए उसके आधार पर आप प्रयोग करो तो हमारे सुखदेव जी महाराज ऐसे वैद्य हैं ऐसे वैद्य हैं जो भवरोग के वैद्य थे और इस समय राजर्षि परीक्षित को रोग यही है इसलिए उनके लिए वही वैद्य थे उनके लिए वेदव्यास जी वैद्य नहीं थे उनके लिए वशिष्ठ वैद्य नहीं थे उनके लिए गौतम वैद्य नहीं थे उनके लिए परशुराम वैद्य नहीं थे उनके लिए भीष्म पितामा वैद्य नहीं थे ये लोग वैद्य नहीं थे सुखदेव जी महाराज वैद्य थे तो जो आए तो कहा वैसे तो हमारी योग्यता नहीं है कि आप जैसा महापुरुष हमको मिले हम तो घर गर गृहस्थी में रम रहे हैं और आप ऐसे जंगल में रहते हो किंतु तो केवल करुणा के कारण हमारे पास आए हो किंतु महाराज मरियमाण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है क्या जप करना चाहिए क्या ध्यान करना चाहिए क्या कीर्तन करना चाहिए क्या स्वाध्याय करना चाहिए या इससे भी अतिरिक्त कोई रास्ता हो तो बताओ जैसे हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने सुना तो कहा राजन एक बात कहूं ये प्रश्न आपका नहीं है ये प्रश्न लोक हित के लिए है क्योंकि आपके साथ तो भगवान है जिसको गर्भ में भगवान ने रक्षा की थी किंतु आपने विचार किया कि ये प्रश्न पूछ लेंगे तो पूरे दुनिया में संदेश चला जाएगा और जैसे मुखिया का कर्तव्य होता है ना आपको बताएं कि बच्चों को सही रास्ता बताएं उनको निवास दे उनको सुविधा दे कर्तव्य है घर के मुखिया का ऐसे राष्ट्र के मुखिया का भी सबका ध्यान दे मकान दुकान की तो व्यवस्था होनी चाहिए रोटी कपड़ा की तो व्यवस्था होनी चाहिए बुद्धि की भी व्यवस्था होनी चाहिए अगर वो बुद्धि की व्यवस्था नहीं देख करेगा तो वो राजा भी दुख पाएगा प्रजा भी दुख पाएगी हमने मोदी जी को महाराष्ट्र का एक ग्रंथ दिया अपने गीता का गीता रस रत्नाकर कर उसमें मैंने ऊपर लिखे कुछ श्लोक और बाद में महर्षि का नाम लिख करके मैंने उनको दिया कि इस श्लोकों के तो प्रथु जैसा राजा होना चाहिए भागवत में प्रथु राजा की चर्चा है तो राजा की चर्चा में विशेषता यह है कि प्रथु जी महाराज ने स्वयं कहा है प्रजा के सामने कि जो राजा प्रजा से कर तो लेता है टैक्स तो लेता है किंतु उसको धर्म की शिक्षा नहीं देता वो राजा प्रजा नाम मलंग भूंगते वो प्रजा का पाप भोगता है क्योंकि करेगी प्रजा पाप और फल भोगेगा राजा कैसे फल भोगेगा राजा अभी देखो राजा ने धर्म की शिक्षा नहीं दी तो लंका में आपातकाल लगा दिया गया अभी अभी आज मैं देख रहा था तो आज बहुत अच्छी बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही अभी मीटिंग हुई का जो ये फ्री हमको उसकी बहुत चिंता थी ये जो फ्री का बांटने का मामला था वोटों के लिए तो सारे राज्य अभी कंगाली की ओर जा रहे हैं लंका की जैस दिशा में तो अब ये विचार हो रहा है कि फ्री देने की सुविधा बंद करनी पड़ेगी नहीं तो जो दशा लंका की है वही दशा भारत की भी हो जाएगी आपत्तिकाल लगाना पड़ेगा इसलिए इसको ध्यान रखना पड़ता पड़ेगा तो प्रजा को किस प्रकार केवल कर लेने से काम नहीं बनेगा अभी लोग करते क्या हैं नेता लोग अपनी राजनीति चलाने के लिए अमीरों से कर ले लिया और गरीबों में वितरण कर दिया वो गरीबों में वितरण करने के लिए कर नहीं था कर राष्ट्र को सुविधा देने के लिए था बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए कर नहीं है तो उनको धर्म की शिक्षा दी जाए अगर वह धर्म की शिक्षा नहीं होगी तो व्यक्ति के जीवन में संतुलन नहीं होगा आपको बताएं धर्म बहुत आवश्यक चीज है धर्म के अभाव में प्रजा उच्छंखल बन जाएगी इसलिए धर्म की शिक्षा अच्छा यदि प्रजा उच्छंखल बनेगी तो क्या राजा दुख पाए, नहीं पाएगा आपके बच्चे आप उन शक्खल बन जाए आपकी न सुने तो आपके जीवन में चाहे कितना बढ़िया बिस्तर हो आपको नींद थोड़ी आएगी इसलिए ये भागवत सिखाता है कि धर्म की शिक्षा बहुत आवश्यक है बच्चों को भी धर्म की शिक्षा देनी चाहिए क्योंकि धर्म की शिक्षा हमको खड़ा होने का अवलंबन देता है भूमिका बनाता है हमको मजबूत बनाता है हमको कमजोर कमजोर नहीं होने देता है तो उन्होंने कहा यह प्रश्न तुम्हारा नहीं है लोक हितम न आपने सबके कल्याण के लिए प्रश्न किया है और हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा वैसे तो मैं निर्गुण में रमण करता था किंतु तो जब से मैंने सगुण की चर्चा सुनी तो सगुण की चर्चा ने हमारे चित्त को पकड़ लिया गृहित चेता राजर्षे और उन्होंने बात कही कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ है कि आपको अंत में नारायण की स्मृति आ जाए अंते नारायण स्मृति किन्दु भाई धोखा मत खाना कि लास्ट में आएगी तो लास्ट में कर लेंगे जिंदगी में तो जरूरत नहीं है जिंदगी में तो जरूरत है नहीं लास्ट में है तो लास्ट में कर लेंगे किंतु जो जिंदगी में नारायण की स्मृति करता है उसी को लास्ट में स्मृति आती वो हमारे आश्रम में एक मैनेजर आप लोग जानते विद्याधर पहले मैं बैठा करता था उसके साथ अभी नहीं बैठता हूं तो ऑफिस वो जहां बुआ जी का भोजनालय था उसके बगल में ऑफिस था वहां नहीं था तो हम लोग भोजन करके कोई बैठने का स्थान नहीं था वहीं बैठ जाते थे उसी के पास तो एक दिन हमने विद्याधर से पूछा क्यों रे विद्याधर सच सच बता रात्रि में तुझे स्वप्न क्या आते हैं उसने कहा मैं बाउचर मिलाया करता हूं उसने कहा मैं बाउचर मिलाया करता हूं क्योंकि दिन में बाउचर मिलाता रहता है तो जो दिन में बाउचर मिलाता है वो स्वप्न में भी बाउचर मिलाएगा आप लोग ध्यान रखना जो जिंदगी में काम करते हैं, अपने तो अधिकतर खोपड़ी में भागवत चलती ग्रंथ चलते हैं तो सोते समय भी वही चलते रहता है अब स्वप्न भी देखते हैं तो इसी प्रकार के स्वप्न होंगे आप लोग स्वप्न देखोगे तो उस कंपनी में गए वहाँ ये मीटिंग हुई वहाँ ये हुआ वहाँ ये हुआ और घर में रहने वाले लोगों को घर जैसे ही स्वप्न आएंगे क्योंकि जो अधिकतर हम जीवन जीते हैं वही रात्रि में स्वप्न बनकर आता है ऐसे जो जिंदगी में जीते हैं वही लास्ट में स्मरण बनकर आता है अच्छा जैसे जैसे शरीर कमज़ोर होता जाता है तो आपने जितने गलत गलत काम किए होंगे सब याद आएंगे अच्छे काम भले ना याद आए क्योंकि उसकी छाप मन में बहुत पड़ जाती है गलत कामों की एक परिवार है जो पहले फिल्मों में बहुत पैसा लगाता था नाम नहीं बताएंगे अब वो माता जी लगभग नब्बे साल की हो गई है पति तो चले गए जीवन के लगभग सारे दुष्कर्म उनसे हुए हैं पैसे के मद में लोगों के गलत संगति के कारण अब वो हमको फोन करके रोती है हमारी शिष्या है और मुझे सब बताती है कि महाराज जी ऐसे ऐसे सब गलत काम जो किए जवानी में अभी सब हमको दिखाई पड़ रहे हैं मैं क्या करूं? मैंने बहुत सारे उसके लिए प्रयोग बताए किंतु तो फेल रहे फिर अभी एक प्रयोग बताया है तब वो कहती है कि अभी स्वप्न बंद हुए हो नब्बे साल के ऊपर है वो और मेरे से बहुत प्रेम करती है मुझे सिंधी में अपना डीकर बोलती है, अपना बालक गुजराती में इसे डीकर बोले हमारा तो डीकर है वो सिंधी बोलते राजा राजा बेटा जैसे बोलते बोले हमारा राजा है तो मुझे बहुत स्नेह करती है तो वो सब स्नेह करती है तो किसी से नहीं रो सकती है अच्छा पैसा बेशुमार था तो पैसा बेशुमार था तो क्लबों में भी जाती थी जुआ भी खेलती थी मदिरा भी पीती थी सारे व्यसन थे उसमें उस व्यसन में सब कुछ गलत किया अब गलत करने के बाद जैसे बुढ़ापा आया उसने कहा पहले हमको नहीं पता चलता था क्योंकि मन में भी कंट्रोल ब्रेक लगाने का सामर्थ्य होता है जवानी में और जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाओगे तो फिर वो कंट्रोल नहीं होता है न खाने में कंट्रोल होता है अच्छा गजब की बात तो ये है कि जो पथ्य बताता है ना बुढ़ापा में उसको अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो सामने से आइसक्रीम खींच लेगा कि कुपथ है आप बीमार पड़ोगे और जो उनको आइसक्रीम पकड़ा देगा कहेंगे ये बहुत बढ़िया है तो हमसे जब कहते वो बहुत बढ़िया तो ने कहा थोड़ा उन्हीं के पास रह के देखो क्योंकि तो रात्रि में जब तुम खांसोगे और उनके हृदय में पीड़ा होगी तो फिर दूसरे दिन आइसक्रीम वो भी नहीं देंगे तुमको क्योंकि वो पीड़ा केवल उनको नहीं किया पीड़ा हो रही है तो कुपथ्य कोई देता है तो अच्छा लगता है और जो उस पर रोक लगाता है वो बुरा बन जाता है किंतु अब उसमें ब्रेक काम नहीं करता बुढ़ापा में हमने देखा रोग जैसे आते हैं हमको तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि जब तक मीठे की रोक ना हो ना अल तब तक खाने का मन नहीं होता और जिस दिन रोक लगा जाए कि अब मीठी चाय नहीं पीनी तो लगेगा अरे क्या फीकी चाय पीना है हटाओ इसको तो ये इंद्रियों की मांग बड़ी उल्टी है इनको जो रोका जाता है वही उसकी मांग बढ़ती है आप कभी देखना आपके दरवाजे पर लिख दें कि ऊपर देखना मना है छत में आप देख लेना कभी दरवाजे पर लिख दें कि ऊपर देखना मना है तो सबसे पहले आप ऊपर ही देखोगे कि ऊपर है क्या जो मना किया गया है यह प्रवृत्ति है जीव की अब जैसे महाराज ये घटना घटती है तो इसलिए पहले से अभ्यास करना चाहिए जो अभी से अभ्यास करोगे वही बुढ़ापा में काम आएगा पता नहीं जो लोग कहते हैं ना बुढ़ापा में भजन करना चाहिए कि तो मेरे को नंबर वन के मूर्ख लगते हैं या नंबर वन के ठग लगते हैं क्यों आज तक जिसका पहले से अभ्यास ना हो बुढ़ापा में हो पाएगा आप लोगों को जानकर आश्चर्य लगेगा वो जी का जो स्थान बंबई में ना विपुल मैं वहाँ रहता हूँ कथा प्रेमपुरी में करता हूँ तो सुबह पास में हिंगिंग गार्डन है तो मैं सुबह सुबह पाँच बजे कभी पहुँच जाता हूँ तो व्हील चेयर पर बूढ़े लोगों को लोग लेकर आते हैं वहाँ की हवा में एक बार कुछ बूढ़े व्हील चेयर वाले बैठे थे और मैं थोड़ा थक गया था तो उनके बगल में बैठ गया अब जो चर्चा कर रहे थे मैं आपको व्यासपीठ से सुना नहीं सकता हूँ मुझे आश्चर्य लगा कि मरने की स्थिति में है और इनकी दृष्टि कहाँ है फिर मुझे लगा कि अगर इनको समझाने जाऊंगा तो डंडा और मारेंगे कि तूने तू तु तेरे को मेरा गुरु किसने बनाया है कौन होता है मुझे समझाने वाला उनकी दृष्टि ऐसी गलत जगह पर पड़ रही थी और आपस में जो चर्चा कर रहे थे ना ये हमारे नवयुवक बालक नहीं करते ऐसे कमेंट नहीं करते फिर मैं वहां से उठकर चला गया मुझे लगा कि अरे बुढ़ापा में ऐसा अनुशासन भी नहीं है और जिन पर कमेंट कर रहे थे सब उनकी पोती की उम्र की होंगी वो बेटी की उम्र की होंगी और अनुशासन नहीं है क्यों अनुशासन नहीं है क्योंकि उनके जीवन में धर्म नहीं है और यह पहले से अभ्यास उन्होंने किया नहीं है तो उनको रुचि वहीं मिलती है और जब एक उम्र के खट्टे होते तो खुल के अपने दिल की बात अब घर में तो कर नहीं सकते तो वहां कर रहे थे वो सब बैठ करके तो मुझे लगा कि अरे उसके बाद फिर हम बूढ़े लोगों से दूरी बनाने लगे वो अगर चल भी रहे हो तो उनके पीछे नहीं चलते थे तीन चार बार देखा हमने कहा ऐसी दयनीय दशा हो गई है क्योंकि उन्होंने पहले से अभ्यास नहीं किया और मैं आप लोगों को करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं इंद्रियों पर संयम बुढ़ापा में नहीं होगा और यह भी आप लोग ध्यान रखो कि यह मत सोचना कि जीवन भर भोगने के लिए वस्तुएं मिली हैं पचास वर्ष के बाद सब चीज पर अनुशासन होना ही चाहिए इंद्रियां आपको छोड़ने वाली इंद्रियों में संयम के कोड़े लगे अगर आप संयमशील नहीं बनेंगे बापू को आप कभी डोंगरे बापू को सुनना उनकी कथा में निन्यानवे प्रतिशत बातें अपने को संभालने के लिए होती थी जिन्होंने सुना होगा कभी कैसे जीना है कैसे रहना है कैसे खाना है और वो रोने लगते थे मैं भी अभी जब देखता हूँ लोगों की दशा तो मेरा हृदय भर आता है कि अब इनको कैसे समझाया जाए कि तुम्हारी हाजमा शक्ति नहीं खाने है खाने लायक ये चीज़ ये तुम भोगने की स्थिति में नहीं हो हाथ पैर ठीक नहीं है कहाँ कब गिर जाओ तो कुछ पता नहीं है इसलिए संयम की आवश्यकता है तो पहले से यदि प्रारंभ कर दोगे पचास से यदि प्रारंभ कर लो आप चालीस से प्रारंभ कर लो तो आप सत्तर तक जाते जाते फिर आप अपने आप कंट्रोल करोगे किसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने आप कंट्रोल कर लोगे और किसी को कष्ट नहीं होगा इसलिए अपने आप भजन में अच्छा भजन में रुचि हो जाएगी ना आपकी यह ध्यान रखना अगर भजन में रुचि हो जाए तो दूसरी चीजों में रुचि नहीं होगी मैं आप कभी जैसे श्री को सुनता हूं तो कोई दूसरी कोई चर्चा में रुचि नहीं है कोई इधर उधर की बात करने लगता है तो लगता है समय खराब हो रहा है पहले नहीं था ये। क्योंकि हमको उसमें कुछ सारा ही नहीं लगता है अब बीती हुई बातों को यदि कोई दोहराने लगे तो उससे क्या मिलेगा हमको और भविष्य की योजना कोई सुनाने लगे तो उससे भी क्या मिलेगा हमको वर्तमान को कैसे रसीला बनाया जाए यह भागवत से सीखा जाए तो हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि तीन ही काम करने लायक हैं स्रोतभ्य कीर्ति अगर सुनाने वाला कोई भगवान का चरित्र मिले तो सुनो और यदि कोई सुनने वाला मिले तो सुना हो आपका कोई प्रेमी मिल जाए इसमें बहुत फायदा है शिल्पी बहन आप जो बातें सुन रही हो ना ये जब मौका मिले किसी को सुनाने लगो तो जो तुम्हारे काम का होगा तो तुम्हारे पास आएगा दूसरा आएगा ही नहीं कहेंगे शिल्पी बहन के ऊपर पता नहीं क्या भागवत का जादू हो गया अभी दूसरी चर्चा नहीं करती जब देखो तो भागवत की बात ला कर रख देती है तो वो कबाड़ी लोग तो आएंगे ही नहीं जिनको कबाड़े से प्रेम है ना वो तो क्यों आएंगे कबाड़ी तो उसी के घर में आते हैं जिसके पास कबाड़ा होता है कबाड़ खरीदने वाले कौन से घर में आएंगे जिसके पास कबाड़ा है जिसके पास है ही नहीं उसके पास कहाँ से आएंगे ऐसे जिसके पास संसार की बहुत बातें भरी हों उसके पास संसारी लोग आएंगे और जो अध्यात्म प्रेमी लोग होंगे वो आएंगे इसलिए श्रवण करें और कीर्तन करें और यदि श्रवण कीर्तन करने का अवसर न हो तो स्मरण करें एकांत में बैठ करके स्मरण करें आप जो सुने हो आपको तो आश्चर्य लगेगा मैं तो महाराज जी को सुनता रहता हूं अभी भी मुझे लगता है तीस वर्ष में शायद ऐसा कोई दिन गया हो जो हमने महाराज जी को सुना ना हो अभी सुनते रहते अब तो भगवत कृपा से ये यंत्र आ गए मोबाइल को तो हम प्रणाम करते हैं रोज और कहते हैं आप बहुत अच्छे आ गए और मैं दो, दो तीन तीन रखता हूँ मोबाइल किंतु उसमें माल यही होता है अब आ तो मोबाइल जो आ गए हैं एक टीवी उसमें मे मेमोरी है अब हम सब बर रखे महाराज जी को वही सुनते रहते पहले जब शुरू शुरू में हमने सुनना प्रारंभ किया तो मैं बाथरूम जाता था नहाने के लिए मंजन करने के लिए तो मुझे लगता था वो भी समय खराब होता तो उसमें भी सुनते थे तो हमारी शिकायत महाराज जी को की गई कि महाराज जी की वाणी को बाथरूम में बजाता है संतों ने किया तो हमको महाराज जी ने बुलाया महान जी ने बोले क्यों भाई तुम शौचालय में महाराज जी को सुनते हो तो हमने कहा शौचालय में भी सुनता हूँ तो बोले कि वहाँ क्यों सुनते हो हमने कहा लगता है कि मंजन कर रहा हूँ अपना तेल लगा रहा हूँ जितना समय हो उतना समय महाराज जी की कान में बानी पड़े तो आप आज्ञा करो तो न सुना करो तो उन्होंने कहा नहीं सुना करो किसी की मत सुनना तो महाराज जी को सुना करो तो उसका चस्का ऐसा लगा कि अब दूसरा कुछ सुनने का मन होता ही नहीं है कि दूसरे किसी को सुने और ये चस्का है तो ये औषधि भी है अब दूसरी चीज आप कहोगे कि औषधि कैसे हवा के अंदर ऑक्सीजन कितनी है वो तो आप समझ सकते हो लगाकर यंत्र और ऑक्सीजन शून्य यदि हो तो आपको जीवन दे पाएगी तो जैसे जहां हम रह रहे हैं नीम का वृक्ष हो पीपल का वृक्ष हो बरगद का भी वृक्ष हो तो पूर्ण ऑक्सीजन मिलती है ऐसे सत्संग की वाणी में पूर्ण जीवन मिलता है पूर्ण जीवन दूसरी वाणी में पूरा नहीं मिलता है पूर्ण जीवन पूर्ण खुराक नहीं मिलती है आत्मा की जो खुराक है ना आत्मा की खुराक है वो खुराक केवल सत्संग में मिलती है तो उसका प्रयोग करना चाहिए इन्होंने कहा यही साधन है बाद में सकाम अनुष्ठान भी बताए और बाद में सुखदेव जी महाराज ने कहा अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम अकाम हो या सर्व काम हो महाराज जी ने एक बात बहुत अच्छी कही जो हम लोगों के बड़े काम किए ये निष्कामता का ढोंग पीटने की जरूरत नहीं है आज मैं दोपहर में पढ़ रहा था चिंतामणि तो बोले निष्कामता निष्कामता ये तो ग्रंथों की बात है और गीता प्रश्न में कैसी निष्कामता थी वो भी मैं जानता हूं तो कहते निष्काम बनने की ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है आप कहो कैसे क्यों नहीं जरूरत है अंतःकरण की पवित्रता उससे होती है सकामता में पकड़ है और निष्कामता में पकड़ नहीं है आपको कैसे बताएं जैसे कुछ लाभ आपको हमसे मिलने वाला हो वाणी का लाभ या और भी लाभ तो हम डांटेंगे भी ना तो आप बुरा नहीं मानोगे जानते हो कि बाद में इसमें मिलने वाला है जैसे बच्चों को पता है कि मम्मी अभी डांटेगी तो बाद में माल खिलाने वाली है तो डांट भी उसकी भयभीत नहीं करती है क्योंकि उससे लाभ है किंतु लाभ ना हो केवल डांट डांट हो तो उसको पकड़ के रखोगे आप कहोगे हो गए अपने घर के महात्मा जाओ यहां से बहुत देखे महात्मा हमने तो भगवान से यदि लाभ ना हो तो आप भगवान को भी पकड़ के नहीं रखोगे अच्छा सकामता के नाम पर एक प्रश्न पूछता हूं कोई पत्नी अपने पति से साड़ी न मांगे अपने पति से आभूषण न मांगे अपने पति से जेब खर्च भी न मांगे और पड़ोसी से मांग कर पहने तो ये उसकी निष्कामता कलंकित है कि नहीं अच्छा आपको जरा विचार करो आपका पुत्र या पुत्री है आपसे तो कुछ ना मांगे कि पापा से हमको कुछ नहीं चाहिए मम्मी से कुछ नहीं चाहिए किंतु तो जब जरूरत पड़े तो मामा जी को फ़ोन करे मामा जी प्लीज इतना डलवा दो तो जब ये बात आपको पता चलेगी तो आपको खुशी होगी ऐसे यदि हम भगवान से न मांगें और दूसरों से मांगते घूमे कि हमको ये दे दो तो भगवान को यदि पता चलेगा तो भगवान खुश होंगे कि बहुत अच्छा निष्काम है ये अरे भाई कामना हमारी है तो आपसे है तो आप अकाम हो या सर्व काम अच्छा एक और फायदे की बात बताता हूं मैंने प्रयोग किया बीस साल तक वृंदावन में ही रह करके मैंने निश्चय किया किसी से सकाम प्रेम नहीं करूंगा किसी से भी और किसी से भी कुछ चाहूंगा नहीं किंतु तो फेल हो गया बीस साल में कम से कम तीस बार फेल हुआ बहुत परेशान भी हुआ जिन बच्चों को हमने पढ़ाया पास में रखा सब ध्यान दिया उनसे भी हमको कामना नहीं थी अभी भी नहीं है ये भी नहीं चाहते थे कि वो हमारा सम्मान करें या वो शुक्र गुजार भी हों कि आज तुम्हारी वजह से यहाँ पर हैं हमने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया भी है वैसे मौखिक भी पढ़ाया है और वित्त देकर करके भी पढ़ाया है अभी भी करते रहते हैं कोई प्रतिभा संपन्न बालक हो तो लगता है पढ़े कैसे भी पढ़े तो उन बच्चों से कभी चाह नहीं कि वो कुछ हमको रिटर्न में कुछ मिलेगा सम्मान मिलेगा ये भी नहीं किंतु तो बाद में कामना हो जाती थी जिन बच्चों को पढ़ाया तो एक कामना होती थी ये महात्मा का पैसा लेके पढ़े हैं तो इनको अध्यात्म का प्रेमी तो होना चाहिए इनको भगवान को तो मानना चाहिए इनको साधुओं को तो मानना चाहिए तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि हम कौन होते हैं किसी को क्या मनाने वाले अपना काम कर दिया आप जरा सोचो हवा हमको जीवन देती है तो हवा यह चाहती है कि तुम हमारे ईश्वर को मानो सूर्य कभी कहता है कि तुम ईश्वर को मानो सूर्य किसी को नहीं कहता तुम मानो हवा किसी को नहीं कहती तुम मानो तो जब ये लोग कभी नहीं कहते किसी को मानो तो हम क्यों कहें किसी को मानो इनका उपकार तो हमारे ऊपर बहुत है वायु से ज्यादा उपकार किसका होगा सूर्य से ज्यादा उपकार किसका होगा पानी से ज्यादा उपकार किसका होगा तो मैं कई बार रो पड़ा कि मैं फेल हो जाता हूं शुरू में तो कामना नहीं रहती है किंतु तो परिणाम में कामना हो जाती है कि वो बात हमारी माने क्योंकि हमारे संपर्क में है तो कुछ तो हमसे सीखे तो एक महापुरुष के सामने मैं रो पड़ा कि महाराज जी मैं फेल हो गया तो बोले कैसे फेल हो गए तो वो कहा ऐसे ऐसे बताया पूरी बात तो महाराज जी ने हंस करके कहा बाबरे संसार सकाम है इससे निष्काम होकर के भी जुड़ोगे तो सकाम हो जाओगे परमात्मा निष्काम है उससे सकाम होकर के भी जुड़ोगे तो निष्काम हो जाओगे तो आप भगवान से सकाम होकर के भी जुड़ो अरे भाई हमको दुख है तो हम आपसे कहेंगे कि हमको इस बात का कष्ट हो रहा है हमको ये वस्तु आप दो हमको वैराग्य दो हमको धन दो हमको सम्मान दो हमको सुविधा दो तो भगवान से ही मांगना चाहिए आप लोगों ने कभी शायद सुना होगा प्रसंग रामायण में नारद जी का एक बड़ा बढ़िया प्रसंग है वो सुनाऊंगा नहीं पूरा नारद जी अपने हिमालय में गए गंगोत्री में हम लोग जब सुबह सुबह घूमने जाते थे एक चट्टान में बैठते थे वो चट्टान के नीचे ही गुफा है नारद जी की अभी भी है और इतनी बड़ी गुफा है कि उसमें सौ आदमी बैठ जाए रस्सी से पकड़ करके वो एक महात्मा रहते हैं वहां तो उस गुफा में क्या हुआ कि वैसे तो भगवान शंकर ने उस गुफा में काम को जला दिया था तो शिवपुराण में वर्णन है कहा था कि आज के बाद जो यहाँ तप करेगा तो उस पर काम का प्रभाव नहीं होगा तो प्रभाव था शंकर का नारद जी ने वहां तप किया तो काम पर विजय मिल गई तो नारद को अभिमान हो गया कि मैं काम विजेता हूं भगवान शंकर के पास गए तो भगवान शंकर मुश कि इस बच्चे को पता नहीं कि किस लिए वहां विजय मिली है विजय इसकी वजह से नहीं मिली स्थान की वजह से मिली है तो कहा एक काम करना ये बात भगवान को कभी मत सुनाना विष्णु को और बात चले तब भी टाल देना वो पूछे भी कि कहां थे तो बताने मत लगना कि तब कर रहे थे तो नारद जी को लगा कि शंकर हमारा यश नहीं चाहे थे अरे हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा कि हम काम विजेता है तो भगवान विष्णु के पास गए भगवान विष्णु भी बड़े कौतुकी जैसे गए तो उठ करके दरवाजे में लेने आए और अपने साथ ही उनको स्थान दिया और बिना पूछे ही सब चर्चा नारद जी ने बता दी भगवान जान गए कि इसके मन में अभिमान जग गया है और हमारा स्वभाव है कि मैं अभिमान पसंद नहीं करता हूं भगवान को यदि कुछ नहीं पसंद है तो अभिमान नहीं पसंद है ध्यान रखना आप कामी हो क्रोधी हो लोभी हो मोही हो सब भगवान के दरवाजे में चलेगा वो बम्बई में लोग कहते हैं, दाल चलेगी सब्जी चलेगी तो भगवान के यहाँ सब चलेगा आप कामी हो चलोगे लोभी हो चलोगे मोही हो चलोगे क्रोधी हो चलोगे हमारे पास लिस्ट है कामियों की आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसे कामी भी होते हैं एक दक्षिण में कामी थे उनकी पत्नी जब स्नान करने जाती थी ना तो छाता लगा के चलते थे उस पर कि वो काली ना हो जाए आप लोगों में शायद कभी छाता लगाया है क्यों ले जी कभी नहीं लगाया होगा और कमाल की बात तो ये है कि सीधे नहीं चलते थे उल्टा चलते थे तो पूछा एक संत को दया लगाई उन्होंने कहा उसको बुलाओ ये छाता लगा के क्यों चलता है पत्नी के ऊपर और उल्टा क्यों चलता है तो संत के बुलाने पर आए नहीं तो उसकी घरवाली को पता चला कि ये संत ने बुलाया ही गए नहीं तो उसने कहा जाओ तो घरवाली की डर की वजह से चला गया कि नाराज़ ना हो जाए वो महात्मा ने पूछा क्यों जी छाता क्यों लगा के चलते हो कहा इसलिए चलता हूं कि वो काली ना पड़ जाए सुंदर बनी रहे अच्छा उल्टा क्यों चलते हो बोले सीधा चलूंगा तो उसका मुख नहीं देख पाऊंगा मैं सोचता हूँ जितनी देर आँख खुली रहे उतनी देर घरवाली को देखते रहे वैसे ऐसा प्रेमी घरवालियों को मिल जाए तो बड़े भाग्य की बात है आजकल शिकायत तो यही कि घर वाला देखते ही नहीं है तो उन्होंने कहा कि अगर इससे ज़्यादा सुंदर दिखा दूँ तो ये ध्यान रखना ये जो बहुत सुंदरता के दीवाने हैं ना जिस दिन तुमसे ज्यादा कोई सुंदर दिख जाएगा तो उधर ही खिसक जाएंगे तो कहा अगर इससे ज्यादा सुंदर दिखा दूं तो तो बोले फिर मैं उसको देखूंगा तो संत को करुणा लगी वो रंगनाथ भगवान के चरणों में ले गए और जैसे पर्दा खुला कहा देखो और जैसे उन्होंने देखा इतने सुंदर भगवान दिखे कि लौट कर ही नहीं गया जब तक दरवाजा खुला रहता था भगवान को देखते थे दरवाज़ा बंद हो जाता था वहीं लेट जाते थे बाद में पिटाई भी खूब हुई पिटाई क्यों हुई अब वो कहीं जाते नहीं थे रात्रि में भगवान को पानी रखा जाता था चांदी के पात्रों में अब ये कहीं जाते नहीं तो भगवान को दया लगती थी तो पात्र उठाकर इन पर रख जाते थे कि तुम पानी पी लो भगवान का पात्र पीते थे पानी और सुबह मंदिर में अंदर पात्र नहीं मिलते थे तो खोजा जाता था तो इनके पास होते थे तो बोले चुरा लिया इसने फिर बाद में भगवान को गवाही देनी पड़ी कि मैं ही पिलाता हूं अपने पात्रों में तो कामी से कामी व्यक्ति को भगवान ने अपनाया कि नहीं अपनाया उससे बड़ा कामी तो आपको क्या मिलेगा तुलसीदास जी महाराज कामी थे बिल्लु मंगलाचार कामी थे और विभीषण से ज्यादा बड़ा लोभी कौन होगा लंका के लोभ के लिए अपने भाई को छोड़कर गए थे किंतु भगवान ने उनको लंका पति बना दिया कि नहीं बना दिया एक नहीं हम आपको हजारों दृष्टांत दे सकते हैं आप घबराए है नहीं कि हमारे में काम है क्रोध है लोभ है मोह है तो हमको भगवान स्वीकारेंगे नहीं भगवान स्वीकारने के लिए खड़े भगवान को यदि पसंद नहीं है एक चीज नहीं पसंद है उसका नाम अभिमान है अच्छा आश्चर्य की बात यह है कि अभिमान करने लायक कुछ है नहीं केवल ना समझी है केवल ना समझी मैं प्रमाणिकता के साथ कह रहा हूँ कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो और थोड़ा ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए लकवा मार जाए सुंदरता कहाँ चली गई हमने बड़े बड़े सुंदर लोगों को कुरूप होते देखा है और किसी को धन का अभिमान हो धन का अभिमान हमने एक परिवार देखा इतना धन था उसमें इतना धन किंतु आज उनकी पत्नी किराए के मकान में रहती है हर शहर में उनके बंगले थे बड़े बड़े उनको ट्यूमर हो गया वो बेचारी लेकर के गई अमेरिका, तीन साल तक वहाँ रखा यहाँ के मकान बिक गए दिवाला निकल गया फैक्ट्री बंद हो गई और आज वो बच्चों को पालने के लिए के स्कूल में पढ़ाती है और वो किराए के मकान में रहती है ऐसे घर की बच्ची थी वो कि कभी बस में नहीं बैठी थी ट्रेन में भी नहीं किंतु समय ने ऐसा थपेड़ा दिया कि महाराज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इतिहास देखो द्रौपदी कोई सामान्य घर की बेटी थी सामान्य घर में ब्याही थी किंतु समय ने कैसा था दिया और किसी को अपनी बुद्धि का अभिमान हो कि मेरे पास बहुत बुद्धि है मैंने अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा है कि अपने बच्चों को भी नहीं पहचान पाते अपना नाम भी याद नहीं रहता उनको बताना पड़ता तुम्हारा ये नाम है और यह हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है सब ईश्वर के हाथ में तो अभिमान करने लायक कुछ तो नहीं है कुछ भी अभिमान करने लायक नहीं है किंतु ना समझिए कि हम अभिमान कर बैठते हैं और यही कारण हुआ व्यक्ति के जीवन में पतन का तो भगवान ने देखा इस बात को कि जीव के जीवन में अभिमान न हो तो अभिमान यदि आता है तो भगवान उसको मिटा देते हैं तो परीक्षित को यह बात कही कि आप सकाम हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है किंतु आप अभिमानवान मत बनो और कामनाओं की पूर्ति आप ईश्वर से करो कोई दिक्कत की बात नहीं है वो तुम्हारी हर कामना पूर्ति करेंगे आप मोक्ष काम हो अकाम हो सर्वकाम हो बाद में जब पूछा कि सृष्टि कैसे बनी तो सुखदेव जी महाराज ने स्तुति की अपने इष्ट की उसमें एक बात रखी कि कोई कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो वो भगवान के प्रेमी से जुड़ जाए किरात हुंद पुलिंद पुलकशा आभीर कंका यवनक खसादया एने च पापा यदुपाश्रयश्रया शुद्धि प्रभु विष्णवे नमः अच्छा आप लोगों से एक प्रश्न है हमारा बेटे से ज्यादा बेटे का बेटा प्रिय होता है कि नहीं देखो चारू भाग के गई यह प्रत्यक्ष प्रमाण है मूल धन से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है मूल धन से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है बेटे से ज्यादा बेटे का बेटा पोता प्यारा होता है ऐसे भगवान को भी ध्यान रखना अपने भक्त से ज्यादा भक्त का भक्त प्यारा होता है आप भगवान को चाहे कितनी गाली दे दो भगवान नाराज नहीं होते महाभारत में वर्णन है किंतु उनके प्रेमी को कोई गाली देने दे लगे तो गड़बड़ मामला है जब नए नए ब्याह करके जाते हैं घूमने इधर उधर बच्चे तो पत्नी का बहुत ध्यान रखते हैं पत्नी को थोड़ा कोई देख भी दे तो उनको गुस्सा आता है पत्नी को प्रसन्नता होती है कि हमको कोई इतना प्यार कर रहा है कि हमारे पीछे पड़ा हुआ है ध्यान रखता है हमारा बाद में भले ध्यान नहीं रखते वो तो बासी मामला हो जाता है फिर घर की घर, घर का पनीर दाल बराबर घर का पनीर जो होता है ना तो फिर दाल के बराबर है उसमें कोई दिक्कत नहीं है मैं निवेदन इतना ही कर रहा था कि भगवान के प्रेमी को हमने कई बार घूमने बहुत जगह गया स्विट्जरलैंड सब लोग ले गए हमको हम तो ऐसे ऐसे कथा भी करते रहे और घूमते भी रहे कभी इस देश में कभी उस देश में एक बार हमने इक्कीस इक्कीस दिन की यात्रा की रोम से लेकर के पेरिस तक फिर पेरिस के बाद फिर लंदन गए और रोज हम तीन घंटे कथा करते थे घूमते भी थे सब लोग और पूरा ग्रुप था तो रोम से बाई रोड जहाँ रुकते थे होटल में पहले हमारी तीन घंटे कथा होती थी बाद में भोजन मिलता था आनंद आता था सब लोग हमने नर्मदा की परिक्रमा भी ऐसे लगाई हमने भागवत की कथा वृंदावन की परिक्रमा लगाते लगाते सुनाई एक महात्मा को 21 दिन में वो करीब दो ढाई घंटे लगता था हमको उनकी वजह से तो चलते चलते कथा सुनाते थे हमने कथाओं के प्रयोग बड़े अलग अलग ढंग से किए तो मैं निवेदन आप लोगों कर रहा था कि भगवान की जो कथा है जिससे प्रीति बढ़ती है तो उसमें जो मूल बात यह है कि भगवान से जैसे आप जुड़े तो आप से यदि कोई जुड़ जाएगा जैसे भक्त से भक्त जुड़ जाए ये संतों के साथ रहने वाले लोगों की या संतों को मानने वाले लोगों के व्यापार की उन्नति क्यों होती है उनके घर में उन्नति क्यों होती है उसका कारण यह है कि संतों को जो मानते हैं उसको भगवान प्रेम करने लगते हैं अब भगवान प्रेम करने लगेंगे तो सप्लाई अपने आप हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी अपने आप हो जाएगी सप्लाई तो भगवान को प्रेम करने के अपेक्षा भगवान के भक्तों से प्रेम ज्यादा श्रेष्ठ है क्योंकि तुरंत दृष्टि जाती है वहां पर किरात हुंद पुलिंद पुलकशा आभी कंका यवन खसाधया ए ने पापा यदुपाश्रयश्रेया जो यदुपाश्रय श्रेया का अभिप्राय जो उनका आश्रय ले लिए अच्छा कई बार की बात और आपको और बताए कि कई संतों को भगवान नहीं मिलते किन्तु जो संतों को मानने वाले उनको भगवान मिल जाते हैं आप कहोगे संतों को भगवान नहीं मिले संतों को मानने वाले क्यों मिल गए इसका कारण क्या है इसका हेतु यही है कि भगवान जानते हैं ये तो संतों का बच्चा है पहले इसको मिले भक्तमाल में एक बड़ा दिव्य चरित्र है चरित्र ये कोई महात्मा जंगल में जाकर समाधि लगा लिए तो एक शिकारी वहां पशुओं को मारने जाता था और पशुओं को मार करके मांस बेचता था तो रोज देखा कि कोई बैठा हुआ है आंख बंद किए हुए वृक्ष एक दिन हो गए दो दिन हो गए तीन दिन हो गए चार दिन हो गए तो उसको पता पता नहीं था कि कोई महात्मा होते हैं उसको लगता था जंगल में तो जैसे मैं आया हूं शिकार खेलने वैसे ये भी आया है किंतु तो लगता है इसको कोई विशेष प्रकार का पशु चाहिए कोई विशेष क्वालिटी का हिरण चाहिए उसकी तलाश में है ये है तो शिकारी ही किंतु कई से होते ना मेले में लोग दिखते हैं तो हमको कई बार लोग यहाँ तो नहीं बाहर ले जाते हैं अपने कोई सामान वामान खरीदना नहीं होता है तो अभी कहते चलो महाराज तो अपने भी देखने जाते हैं कैसी दुकानें हैं तो बाजार में तो हैं किंतु ख़रीदार नहीं है किंतु लोगों को तो लगेगा कि ये भी कुछ खरीदने ही आया है हम तो ख़रीदने गए नहीं वहाँ अपने को चाहिए नहीं अब आपको जरा विचार करो जितने ब्रांडेड कंपनी के जहाँ जहाँ मार्केट है वहाँ से अपने को क्या मिलेगा अपना तो अचला यही पहनना है लाल वाला ही तो वहाँ से कुछ मिलने वाला तो है नहीं किंतु हमको कहते चलो महाराज तो हम कहते चलो भाई तुम्हारी खुशी तो देखा हूँ हमें क्या दिक्कत है और पहले जब महाराज जी थे तो तो मैं जहाँ जाता था कुछ अच्छी चीज़ मिलती थी तो उनको ले आता था क्योंकि उनको फलों की बहुत वो थी फूलों की तो फूलों की मार्केट में बहुत जाता था और जंगली जानवरों की बहुत उनको वो थी तो हम जंगलों में बहुत जाते थे फ़ोटो खींच खींच के लाते थे उनको दिखाने के लिए कि ऐसे ऐसे कि जब से महाराष्ट्र गए तब तो से मैं कैमरा नहीं ये मोबाइल का भी फोटो मैं नहीं खींचता हूँ कभी अब शौक ही नहीं रहा था उनके लिए करते थे तो मैं निवेदन करा था आप सबको उस शिकारी ने कहा कि उसको हिला करके तुम भी शिकारी हो बोले हाँ शिकारी है वो महात्मा ने सोचा इसको कहूँगा मैं महात्मा हूँ तो पूछेगा महात्मा किसको कहते हैं फिर कहेगा कि भगवान को प्राप्त करें तो भगवान किसको कहते हैं अब भगवान का पता नहीं उसको तो अपनी ऊर्जा क्यों खराब करे कई बार होता है ऊर्जा खराब नहीं करनी चाहिए ऊर्जा खराब करने से एक तो अपने शरीर का सामर्थ्य गया और वो समझ सकता नहीं है एक बार मैं आ रहा था यहीं बढ़िया तो बम्बई में जैसे चढ़ गया स्टेशन पर तो जिस कार जिसमें हमको बैठना था शताब्दी में चेयर कार वाली तो देखा स्टेशन में वहाँ सेंटर में बहुत मुसलमान हैं तो हमने सोचा लिस्ट देख लें कोई हमारे बगल में भी ना हो तो देखा तो लिस्ट कोई पटेल जी थे और मामा जी के उम्र के थे बड़ी उम्र के तो जैसे हम ट्रेन चली तो मेरे से पूछा कि बापू कहाँ से आए हमने कहा वृंदावन से तो तुम्हें नारायण छो हमने कहा नहीं बैष्ठो छो हमने कहा नहीं, नहीं। गुजराती बोल रहे थे बड़े वृद्ध थे तो हमने सोचा इनको क्या बताएं मैंने कहा कि मैं भगवत पा शंकराचार्य भगवान की परंपरा का हूँ मेरा इतना कहना था उस समय कांची कामकोट के शंकराचार्य पर मुकदमा चल रहा था वो जेल में थे और उस समय बड़ा उपद्रोह हो रहा था घटना उसी समय की अब वो मेरे पीछे पड़ गए बोले सब महात्मा ऐसे होते हैं और बहुत सुनाने लगे हमको अब हमारे बाप की उम्र के हमको क्या कहें उनको और हमको अंकलेश्वर उतरना था तो हम सोचे कि क्या कहें इनके साथ समय भी व्यतीत करना है तो मैंने बड़े प्रेम से उनको कहा कि मैं देख लिया था इनका सरनेम पटेल है तो हमने कहा कि एक बात बताओ काका बोले क्या हमने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप जानते हो अरे बोले तो मेरी ज्ञाति का है बड़े खुश हुए वो पटेल वो भी थे मेरा तो समझाना वो था कि जो पटेल जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम किया है वो तो आपने तो नहीं किया है तो यदि कोई शंकराचार्य ने कुछ गलत काम किया है, तो मैंने तो नहीं किया है मैं भले परंपरा का हूँ समझाना उनको ये था हमको किंतु जैसे उन्होंने सुना कि बोले वो मेरी ज्ञाति के हैं तो हमसे बोले बापू तमें भी पटेल छो जैसे कहा पटेल छो तो हमने कहा मैं पटेल हूँ जैसे मैंने कहा पटेल हैं आपको क्या कहें उनका तो व्यवहार ही बदल गया बोले तभी तो हम कहते थे कि आपके चेहरे में तेज क्यों है ये तो हमारी ज्ञाति के हैं अब तो सज्जन हमारा इतना ध्यान दिए इतना ध्यान दिए कुछ पूछो नहीं अब तो हमको पेपर भी ला के दिए वहाँ का मैंने भोजन नहीं लिया तो स्टेशन आया तो केले खरीद के लाए और हमको खिलाया भी जैसे मैं अंकलेश्वर उतरने लगा तो स्वयं वृद्ध थे हमारी अटैची लेकर के नीचे आए बोले बाप जी आपको लेके चलेंगे नीचे उतारा और हमको एक लिफाफा भी दिया इक्कीस सौ रुपये दक्षिणा भी तुमने किराया भी दे दिया इन्होंने तो अब जैसे मैं गया तो स्वामी विवेगांद जी महाराज को मैंने घटना बताई वहां पर तो उन्होंने कहा कि तुम तो ब्राह्मण घर के बालक हो पटेल कैसे कह दिया कि मैं हूँ झूठ बोले ये पटेल तो ही नहीं हमने कहा महाराज जी पटेल उसका नाम दूसरों को पटा ले तो मैंने तो उसको पटाया है मैंने तो अपने अर्थ किया कि पटेल उसको जो दूसरे को पटा लिया जाए तो देखो अपने समय की ऊर्जा खराब मत करो जो समझने की उपयोगी उसको तो समझा सकते हो और जो समझने के लिए तैयार ही नहीं है उसको आप विधाता भी नहीं समझा सकता है उसमें ऊर्जा खराब करने की ज़रूरत नहीं है अपने जीवन की ऊर्जा मत खराब करो आप मौन हो जाओ या उसको स्वीकृति दे दो कि तुम भी तुम्हारी भी सत्ता है हम तुमको सुनेंगे तुम बताओ तो जैसे उस महाराज शिकारी ने पूछा तुम शिकारी हो वो संत ने कहा मैं शिकारी हूं तो बोले कोई मृग लेने हो बोले हाँ तो कैसा मृग उन्होंने कहा वो सांवले रंग का मृग है और उसके शरीर में पीला कपड़ा पड़ा रहता है कमर में करधनी पड़ी रहती है और पैर बिल्कुल लाल लाल है उसमें पायजेब पड़े हुए हैं पूरा नख से सिक तक ठाकुर जी का वर्णन सुनाया तो बोले ऐसा मर्ग तो आज तक देखा नहीं मैंने बोले है तो इसी जंगल में और जब तक मिलेगा नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं तो शिकारी ने कहा देखो भाई आप मेरे भाई हो और आप ऐसे भूखे प्यासे बैठे रहते हो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं भी ढूंढता हूं एक बार बताओ कैसा है वो तो नख से सिख तक उसका वर्णन किया ठाकुर जी का कि लाल लाल तलवे हैं ऊपर पायजे पड़ी हुए धोती पड़ी उसमें करधनी है गले में वैजयंती की माला है और यहाँ बाजू बंद पड़े हुए हैं कंगन पहने हुए हैं अंगूठी पहने हुए हैं और अधरों पर मंद मंद मुस्कान है बड़ी बड़ी आँखें हैं गोरोचन का तिलक लगा हुआ है घुघराले केस पास हैं उस पर पंख का मुकुट धारण करते हैं और तिरछी चितवन से देखते हैं तिरछी चाल से चलते हैं हाथ में बांसुरी रखते हैं उसने सब सुन तो लिया फिर थोड़ी देर के बाद बोला फिर बताओ तो फिर बताया आठ दस बार बताने के बाद उसके दिमाग में बैठ तो गया बोले ऐसा मृग तो आज तक नहीं देखा मैंने और ये कह रहे हैं कि जंगल में है तो जैसे वो जंगल में खोज रहा था फिर सोचा कि कहीं वो शिकारी देखकर मृग भाग न जाए तो वृक्ष में चढ़ जाए और फिर वो सोचे कि ऐसा सावरा है सलोना है ऐसी आंखें हैं बार बार उसका चित्त कृष्णाकार बन गया बार बार चिंतन करते 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 एक दिन बीत गया दो दिन बीत गया तो ठाकुर जी को लगा कि यदि मैं जाऊंगा नहीं तो हमारे भक्त की बाणी झूठी हो जाएगी उन्होंने कहा है कि जंगल में है तो मुझे जाना तो पड़ेगा अब वो ऊपर चढ़ जाता था कभी झाड़ी में छुप जाता था श्री ठाकुर जी महाराज जैसे ऊपर चढ़ा था तो वेणु बजाते हुए आ रहे थे तो छुप गया कि देख ले तो भाग न जाए जो वृक्ष के नीचे आए तो जाल डाल दिया और जाल में ठाकुर जी को जैसे मछली के जाल में बांधते हैं पकड़ लिया और पकड़ करके पीछे लटका लिया और लटकाकर वो महात्मा के पास गए बोले तुम इतने दिन से बैठे हो तुम्हारा शिकार तुमको नहीं मिला मैं पकड़ कर लाया हूँ तो उन्होंने कहाँ से पकड़ कर लाए जैसे देखा तो ठाकुर जी बंधे थे और मुस्करा रहे थे बोले खोलो तो उनसे पूछा कि हमको क्यों नहीं मिले हमको इतने दिन से ढूंढ रहे हैं तो मिले नहीं इसको क्यों मिल गए ठाकुर जी ने कहा अगर इसको नहीं मिलते तो तुम्हारी बात झूठी पड़ जाती और तुम्हारी बात झूठी न पड़े इसलिए हम इसको मिल गए तो कई बार अनुभव ये करना गुरु तो गुड़ ही रहते चेला शक्कर हो जाता है महात्मा तो महात्मा ही रह जाते हैं किंतु तो उनका शिष्य परमात्मा बन जाता है क्यों बन जाता है क्योंकि उन पर उनका विश्वास होता है तो जो भगवान का हो जाता है उसके आप हो जाओ बस काम बन गया अच्छा भगवान का मिलना तो बहुत मुश्किल है किंतु तो जो भगवान के हैं वो तो मिल ही जाते हैं तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ऐसे भगवान का हम भजन करते हैं और ऐसे भगवान हमारी वाणी के अलंकार बने बाद में सृष्टि को बताते हुए कहा कि ये सृष्टि कैसे बनी देखो ध्यान रखना ये संपूर्ण सृष्टि जैसे आप लोग बनाते हो ना अपने कंपनी में ट्रांसफार बनाते हो जो बनाते हो उसमें कारण अलग अलग होते हैं कोई कहीं बनता है पार्ट कोई कहीं बनता है जोड़ने वाला अलग होता है उसकी पैकिंग करने वाला अलग होता है तो उसमें कारण बहुत हैं बनाने वाले निमित्त कारण तार फिट करने वाला भी अलग है कनेक्शन चेक करने वाला अलग है एक एक यंत्र यहाँ से यहाँ तक जाते समय फाइनल तक जाते समय कम से कम दस इंजीनियर के तो टच में आएगा वो तभी वो फाइनल उसमें जा पाएगा अब उसमें मटेरियल अलग है और बनाने वाला अलग है किंतु यह जो संसार है ध्यान रखना इसमें मटेरियल भी भगवान है और इंजीनियर भी भगवान है इसी को शास्त्री भाषा में बोलते हैं अभिन्न निमित्तोपादान कारण अभिन्न निमित्त उपादान कारण इसी को जब एक साथ जोड़कर बोलेंगे तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण इसका अभिप्राय क्या है वही मटेरियल है और वही बनाने वाले हैं आप कहोगे ऐसे कैसे हो जाएगा आप समाज में तो नहीं दिखता है कि मटेरियल भी वही हो और बनाने वाले भी वही हो मटेरियल भी उनके अंदर से निकले और बना भी दें आप कभी देखना घर में इसका उदाहरण आपको मिल जाएगा आप में भी मिल जाएगा पहले बाहर का उदाहरण दे दूँ फिर आपके अंदर का उदाहरण दे दूँ ये भागवत है जो आपको सुना रहा हूं किंतु इतना साधारण करके मन में आया कि आप इसको समझ सको हमारे बच्चे भी समझ सकें भागवत क्या है भागवत कैसे जीवन को बदलता है आप कभी मकड़ी देखना मकड़ी गुजराती में क्या कहते हैं उसको वो आप देखना वो जो जाला बनाती है उसका धागा कहाँ से लाती है अपने अंदर से निकालती है जाला भी अंदर से निकालती और बनाती भी अपने आप है अच्छा एक विलक्षणता और भी उसमें है आप कभी देखना हमको तो कई बार अनुभूति हुई वो मकड़ी कोई ऊपर से यहीं तक उतर आएगी तो जाला छोड़ती ऊपर चपका के आती है उसी के माध्यम से उतरती है आप थोड़ा मकड़ी को छेड़ो तो ऊपर चली जाएगी किंतु तो ऊपर चली जाएगी तो बाद में आप वहां जाला ढूंढो तो नहीं मिलेगा वो धागा मिलेगा नहीं जिससे उतरी थी वो धागा को भी अपने अंदर लेती चली जाती आप जरा विचार करना कभी इतनी छोटी सी और कितने बड़े बड़े जाले बना देती है तो जैसे मकड़ी अपने अंदर से निकालकर जाला बनाती है वैसे भगवान भी सगत को अपने से अंदर से निकाल कर ये संसार बनाते हैं एक तो ये और आप भी संसार बनाते हो आप सब ब्रह्मा हो आप कहोगे हम कैसे ब्रह्मा हैं रोज के ब्रह्मा हो जी आप लोग स्वप्न तो सब देखते होंगे स्वप्न में जो भी पदार्थ दिखते हैं मित्र शत्रु अपने प्यारे दुलारे घर ये स्वप्न में घर भी दिखता है वो घर जो स्वप्न वाला घर है वो किस इंजीनियर ने बनाया है और उसमें कौन सा मटेरियल है वो आपके मन के इंजीनियर ने बनाया है अच्छा कमाल की बात तो ये है ये बहुत विलक्षण विज्ञान है कमाल की बात तो ये है कि मन ही बनाता है और मन ही बनता है और मन ही देखता है और बाद में सब मन में ही लीन हो जाता है अच्छा एक बात बताओ स्वप्न में ट्रेन की दुर्घटना हो गई स्वप्न में उसमें बहुत यात्री मर गए किंतु जागने के बाद एक भी लाश मिलती है किसी को मिली हो तो बताओ ट्रेन भी नहीं मिलती कमाल की फैक्ट्री हो तुरंत वहां सब गल जाती है और कई लोगों को इससे एक व्यक्ति को चिंतामणि में आज पड़ रहा था महर्षि का बोले एक व्यक्ति को वो था तो बहुत गरीब व्यक्ति काम करता था सामान्य कुम्हार का काम करता था घड़े बनाने का किंतु तो जैसे स्वप्न देखता था तो राजा बन जाता था और रोज जैसे स्वप्न खुले तो फिर कुमार का काम करना पड़ता था अब वो सोचा कि मैं राजा ही बना रहा हूं ये काय को कुमार का काम करना पड़े उसको स्वप्न जगत से प्रीति हो गई अब स्वप्न जगत तो कोई यथार्थ तो है नहीं अब ये जगत छूटने लगा उसका काम का ही न रहे वो सोचे कि हम बस जैसे रात्रि में सोएंगे तो फिर हमको राजा बन जाएंगे किंतु बाद में जब घर में खाने को नहीं रहा तो फिर नींद भी आना बंद हो गई आप लोग हम लोग भी यही हो गया ये पूरा का पूरा जगत स्वप्न जगत है जो हम आप सब देख रहे हैं स्वप्न जगत है इससे हमारी आसक्ति हो गई तो आत्मजगत से आप छूट जाएंगे ये भी एक जगत ही है जैसे वो स्वप्न जगत झूठा है वैसे जागर जगत भी झूठा है और ये बात यदि आपके समझ में आएगी तो आप बहुत आनंद में रहोगे ये देखो अभी आप लोग नाराज मत होना जो सुख है ना अपने पास वो उधार है पैसे का सुख उधार पत्नी पति का सुख उधार बच्चों का सुख उधार सेवक का सुख उधार भोजन का सुख उधार अब भोजन जो अपने को बढ़िया लगता है स्वादु अगर अपने मन का न बनने लगे तो सुख चला गया रसोईया कुछ गड़बड़ कर दे पत्नी का सुख मिल रहा अगर पत्नी देना बंद कर दे तो हम कंगाल हो गए और पति देना बंद कर दे तो आप कंगाल हो गए तो ये जो अध्यात्म का सुख है ये पराश्रित सुख नहीं है इसमें पैसे की जरूरत नहीं है इसमें स्थान की जरूरत नहीं है इसमें व्यक्ति की जरूरत नहीं है आपका स्वास्थ्य सुख माने आपका अंदर का सुख और जब चाहो तब उसका रस लेने लगो विपत्ति काल में भी आप आंखें बंद करके अपने रूप का चिंतन करो तो आप आनंद में भर जाओ तो जब श्री सृष्टि के बारे में ब्रह्मा जी से पूछा गया कि यहां राजर्षि परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा तो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित को बताया कि एक दिन ब्रह्मा जी बैठे थे तो नारद जी उनके पुत्र आ गए तो देखा कि ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे हैं तो नारद जी को लगा कि हमारे पिताजी ही सबसे बड़े हैं तो ये किसका ध्यान कर रहे हैं तो नारद जी ने प्रश्न कर दिया ब्रह्मा जी से कि आप तो सबसे परे सबसे बड़े हो आप किसका ध्यान कर रहे हो तो जैसे सुना देखो एक आपको बताएं सनातन धर्म की जो परंपरा इतनी रसमई है गुरु से यदि कोई शिष्य प्रश्न पूछता है तो गुरु यह नहीं सोचता कि मैं इसको सुना करके इस पर उपकार कर रहा हूं गुरु को तो यह लगता है कि अगर यह सुने नहीं तो मैं सुनाऊं किसको? को और यदि अच्छा देखो आप विचार करो आप लोग भागवत बैठ के न सुनो तो मैं दीवालों को सुनाऊंगा आप विचार करो कभी श्रोता न मिले तो वक्ता किसको सुनाएगा और यदि वो सुनाएगा नहीं तो जो उसको रस मिल रहा है आप लोगों को पता नहीं आप लोग जितना रस लेते उससे हजार गुना रस मैं लेता हूं और रस न लू तो महीने में तीन तीन चार चार कथा न कर पाऊं और ये पांच पांच छः छः घंटे कथा करता हूं उसको क्यों कथा करता हूं क्योंकि रस मुझे आ रहा है मैं स्वयं आनंद लेता हूं तो अब जो इस आनंद का प्रदाता हो भोजन कोई हमको स्वादुख खिलाता है तो थैंक यू बोलते हो कि नहीं तो जो हमको श्रोता इस रस का आनंद दे उसको बक्ता श्रोता को थैंक यू बोलता है कि आपने हमको ये कहने का अवसर दिया ब्रह्मा जी ने अपने बेटे को नारद को यह नहीं कहा कि तुम मूर्ख हो तुमको इतना भी नहीं पता कि हमसे बड़ा कोई है उन्होंने कहा कि आपको पता तो सब कुछ है किंतु मैं सृष्टि बनाने में लगा हुआ था अगर तुम प्रश्न नहीं पूछते तो उसी में लगे रहते तो प्रश्न पूछ करके हमको भगवान के चिंतन में लगाने का तुमने अवसर दिया ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि जो गुरु ईश्वर है उसकी माया से लोग मोहित होकर मुझे जगतगुरु कहते हैं मैं उन्हीं का भजन करता हूं और बोले बेटा तुमको एक रहस्य की बात बता रहा हूं तुम मेरे बाप के बारे में परिचित नहीं हो मेरे बारे में परिचित हो मैं तुम्हारा बाप हूं जब चारों तरफ जल ही जल था और जल में एक कमल उत्पन्न हुआ उस कमल में मैं जन्मा और जब कमल में मैं जन्मा तो अपने कारण को खोजता रहा बाप को कि कौन मुझे बनाया है किंतु तो खोज नहीं पाया तो बड़ा उदास हो गया तो आकाशवाणी सुनाई पड़ी आकाशवाणी माने होता है कि आवाज तो सुनाई पड़े किंतु आवाज करने वाला दिखाई ना पड़े आकाश में वाणी तो सुनाई पड़ रही है किंतु किसकी वाणी है वो दिखाई नहीं पड़ रहा वाणी सुनाई पड़ती है उसी का नाम आकाशवाणी है तो आकाशवाणी हुई कि एक काम करो बेटा स्पर्शे सुयद सोडस में कविंस ये जो का खा गा घा ये अक्षर हैं ये सब कहीं ना कहीं से उच्चरित होते छू करके इसलिए इनका नाम स्पर्श वर्ण है छू करके निकलना जैसे का बोलो तो कंठ में जोर आता है आपसे हम कहें पा बोलो फा बोलो बा बोलो भा बोलो किंतु ओठ मत छुआओ तो नहीं बोल पाओगे पा जब बोलते तो दोनों ओठ छूते कि नहीं अच्छा ता बोलो और आपकी जीव तालू में लगे तो नहीं बोल पाओगे ये विज्ञान है शब्दों का ये कहीं ना कहीं स्पर्श होकर छू करके निकलते हैं इसलिए इनका नाम स्पर्श वर्ण है छू कर निकलने वाले इसमें जो सोलवा और इक्कीसवा वर्ण ये जो देवता लोग होते हैं इनको गुप्त तो बातें बहुत प्रिय होती हैं। और ये चाहते हैं जैसे आप लोग अपने फैक्ट्री का माल सब गुप्त रखते हो कि नहीं सबको थोड़ी टेक्नोलॉजी दे दोगे आप लास्ट फाइनल टच तो अपने को करना पड़ेगा नहीं तो कोई भी ले जाएगा वो आपका कर्मचारी छोटी सी फैक्ट्री खोल के बैठ जाएगा तो कई चीज़ें थी ऊपर ऊपर की बातें तो सब बता दी जाती हैं किंतु तो अंदर वाला मामला वो अपने पास ही रखना पड़ेगा ऐसे भगवान ब्रह्मा जी महाराज का भी बड़ा विलक्षण खेल इनको भगवान ने गुप्त कुछ कोर्ट रोड़ते हैं जैसे समझाया जाता है कि भाई ये कर लो ये कर लो तो उन्होंने कहा स्पर्श वर्णों में सोलवा और इक्कीसवां अब सोलवा और इक्कीसवां अक्षर जोड़ते रहो क्या है तो देखा सोलवा अक्षर है ता और इक्कीसवां अक्षर है पा। तो आकाशवाणी कह रही तब करो तब करो तब करो ये तब करते रहे और देखो महात्माओं का जो धन है वो आश्रम नहीं है ये प्रतिष्ठा भी नहीं है या आश्रम में ट्रस्ट में कितना बैंक बैलेंस है ये उनकी संपत्ति नहीं है अगर कोई आश्रम को अपनी संपत्ति मानता हो बैंक बैलेंस को अपनी संपत्ति मानता हो तो महात्मा ही नहीं है वो ठीक है आश्रम की व्यवस्था के लिए जो अपना चलता रहे महात्माओं का धन है निष्किंचना नाम धनम विदु उनका तप धान्य है आप कितनी सहन शक्ति उनकी है जिसके पास सहन शक्ति ज्यादा है वो ज्यादा बड़ा महात्मा है हमारे पास साधन कितने हैं उसका महत्व नहीं है साधन तो व्यापारियों के पास बहुत होते हैं सुविधाएं बहुत व्यापारियों के पास बहुत होती है किंतु तब भी ये सब व्यापारी लोग महात्माओं के पास क्यों जाते हैं क्या उनके पास सुविधा के लिए जाते हैं कि बढ़िया कमरा बना है तो वहां जाएंगे कमरा के लिए नहीं जाते हैं सुविधा के लिए नहीं जाते आप लोगों के यहां जो भोजन बनता हो, आश्रम में मिलेगा भी नहीं सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी सेवक भी नहीं मिलेंगे तब भी क्यों जाते उनके पास एक धन है वो परमात्मा का धन है तो महात्मा वो जो परमात्मा के धन को इकट्ठा करे और परमात्मा जिस पूंजी से मिलता उस पूंजी का नाम है तप परमात्मा पैसे से नहीं मिलता हमारे जी तो कई बार हंसते थे और कहते थे इन सेठों को अगर पता चल जाए कि परमात्मा इतने रुपए से मिलता है तो उसको खरीद करके अपने घर में कैद करें किसी को मिलने न दे कहेंगे ये भी बपौती हमारी है बोली लगा कर खींच ले ली कि चाह तू इतनी बोली लगाता मैं इतनी बोली लगाऊंगा किंतु तो परमात्मा इस धन से नहीं मिलता प्रेम से मिलता है तब से मिलता है परमात्मा को पाने के लिए पूंजी कौन सी है प्रेम की पूंजी तब की पूंजी जब ब्रह्मा जी महाराज ने किया तो उनको दर्शन हुए बैकुंठ महाराज भगवान के दिव्य धाम के और दिव्य धाम के दर्शन होने के बाद उनको भगवान के दर्शन हुए और भगवान उनको इतने प्रेम से निहार रहे थे प्रसादाभि मुखम दृगा सवम आप कभी देखना गुरुजनों की आंखें जब वो खुश होते हैं ना जैसे माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार से निहारती ना हमारी सपना बहन समझ सकती गैया मैया अपने बछड़े को निहारे बछड़ा जब पास में आता है गैया मैया की देखो आंखें और जैसे उसका सब कुछ खिल जाता है गैया मैया को अपने बछड़े को पास पाकर जैसे खिल जाता है ऐसे सच्चे गुरु को अपने शिष्य को पाकर खिल जाते इतने प्रेम से निहार रहे थे अच्छा गुरुजन शिष्य में बहुत भेद बुद्धि नहीं रखते हैं कि ये छोटा है ये बड़ा है अमुक है अमुक ऐसा कुछ नहीं गुरुजनों की दृष्टि में प्रेम धन जिसके पास सब बराबर है और सबको वो प्रेम करते हैं भगवान ने तो ब्रह्मा जी को हाथ से हाथ मिलाया देखो ये हाथ मिलाने की परंपरा अंग्रेजों की नहीं है हमारी अपनी है जी अब अंग्रेजों का सिद्धांत कितना हमारे तो करोड़ों वर्ष पहले का खेल है और ये पुराण भागवत की पुराण कोई इस कलयुग के प्रारंभ में नहीं है सत्ताईस चतुर्युगी बीत चुकी हुई है और पहले ही चतुर्युगी में ये घटना घटी है तो हर चतुर्युगी में घटना घटती है तो इतना पुराना ये ग्रंथ है उसमें हाथ मिलाने की बात है और दूसरी बात और भी कहे आजकल मैं इस बात को बहुत जोर से कहता हूं पांच से एक वर्ष से लेकर पांच वर्ष तक बच्चों को खूब प्यार देना चाहिए खूब लाड़ कराना चाहिए लाड़ दुलार दुलार रखो पांच वर्ष की उम्र तक अभी इन सब बच्चों को आने वाले इसलिए सिखा रहा हूं जैसे छठवा वर्ष चालू हो बच्चे का उस समय अनुशासन करना चाहिए वो जो मांगे सो देने की जरूरत नहीं है आजकल बच्चे थोड़ा सा रोते हैं महाराज सब कुछ दे देते हैं हानि लाभ का विचार किए बगैर आजकल पता नहीं कौन सी महाराज विदा चली है ये बच्चे जब खाने के लिए बैठे तो उनके हाथ पे मोबाइल होना चाहिए और गेम होना चाहिए और लगभग दादियां भी पकड़ा देती हैं और माँ भी पकड़ा देती है मोबाइल क्योंकि प्रेम से वो गेम खेलते खेलते, खेलते खाएगा चारू बहन खाता है कि नहीं ऐसे वो ये हम नब्ज बता रहे हैं हमको पता है नब्ज किंतु उससे बहुत बड़ी हानि है आप सबसे हमारी प्रार्थना है मैं ये विज्ञान की बात बता रहा हूँ रिसर्च की लेटरिंग के सीट पर जितने कीटाणु नहीं होते बैक्टीरिया उससे ज्यादा मोबाइल की स्क्रीन पर होते हैं और ये छोटे छोटे बच्चों के नाक से जाकर उनके जो लंग्स आदि बहुत है कोमल उन पर प्रभाव डालते हैं आंख पर प्रभाव डालते हैं ये बच्चे शुद्ध नहीं संभालेंगे इनको चश्मे लग जाएंगे इसलिए बच्चे भले ही रोए मोबाइल नहीं पकड़ाना चाहिए कितनी देर रोएंगे अपने आप भूख लगेगी तो खाएंगे ही खाएंगे और ये आपको बर्ताव छह से लेकर के पंद्रह साल की उम्र तक करना है दस वर्ष तक जैसे बालक सोलह साल का हो शास्त्र कहता है इस बात को तो मित्रवत आचरित हम लोग क्या करते हैं कि ये जो छह से लेकर दस वर्ष तक की उम्र पंद्र, पंद्रह वर्ष तक की उम्र है इस उम्र में तो बच्चों के साथ मित्र जैसे रहते हैं और जैसे बड़ा होने लगता है कालेज आदि में जाने का समय आया अब बोस बनना चाहते हैं तू ये कर तू ये कर तू ये, ये अब अब ये तू विषय नहीं पढ़ेगा ये विषय पढ़ेगा तू ये कॉलेज नहीं लेगा ये कॉलेज लेगा तू ये गाड़ी नहीं लेगा ये गाड़ी लेगा अब वो सुनने वाले नहीं हैं इसलिए दस साल जो बच्चों के होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इन दस सालों में बच्चों पर अनुशासन भी रखो प्यार भी रखो जो आवश्यक हो वही दो आज जो सबसे समाज में अपराध हो रहा है मुझे कई बार बहुत पीड़ा होती है प्रत्येक माँ बाप कहते हैं कि जो हमने दुख पाया है वो बच्चों को नहीं होने देंगे क्या करोगे जी जो मांगेंगे सो दूंगा यही तो कर सकोगे उसका परिणाम क्या होगा मेरा अपने शिष्य का बच्चा बता रहा हूं लुधियाना में एक ही बेटा था सब कुछ उसको मांगे देते थे जब वो कॉलेज पढ़ने विदेश गया तो कहा पापा आने के बाद हमको अमुक कार चाहिए कुछ व्यापार बिगड़ गया अभी तक पापा ने उसकी कभी मनाही नहीं की थी आने के बाद उन्होंने कहा बेटा अभी नहीं कुछ दिन के बाद टाल रहे थे वो क्योंकि बजट भी नहीं था और वो देना भी नहीं चाहते थे इतनी महंगी कार एक दो महीने टालने के बाद उस बच्चे ने एक दिन आकर के कहा फिर से पापा वो कार हमको दोगे या नहीं दोगे तो पापा ने नाराज होकर कहा नहीं दूंगा तो क्या कर लेगा वो बहुत समय डिस्टर्ब थे नहीं दूंगा तो क्या कर लेगा बोले मैं क्या कर लूंगा मुझे धमका रहे हो धमका नहीं रहा हूं कह रहा हूं कहां से पिस्तौल लाया था सामने वही अपने को मार लिया और वहीं मर गया स्पोर्ट पर मर गया सच्ची बिल्कुल घटना क्योंकि उसको मन मारना नहीं आता था हम लोगों ने बच्चों को मन मारने की आदत ही नहीं डाली बच्चों को मन मारने की भी आदत आनी चाहिए क्यों आनी चाहिए कि जरूरत नहीं कि सब हमारे मन का ही होगा और यह विज्ञान यदि आप लोग समझ लोगे प्यार पूरा दो उनकी आवश्यकता की पूर्ति भी करो ऐसा नहीं कि हम बच्चों के विरोध जो चाहिए किंतु तो कहीं ना कहीं उनको मन मारना आना चाहिए आजकल बच्चों को मन मारना नहीं आता और अगर उसकी मां मन मरवाने भी लगे तो दादी जी खड़ी हो जाएंगी दादू खड़े हो जाएंगे चल अभी आइसक्रीम खिलाता हूं पिज्जा चाहिए मम्मी को बोलने दे अपनी तो फ्रेंडशिप है लेके चले गए लीजिए अब मम्मी तो बुरी बन गई दादू जी फ्री बन गए और दादी और फ्री बन गई तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए बच्चों को उसकी मां को ट्रेंड करने देना चाहिए कई चीजों को बच्चों को उसकी माँ पर ही छोड़ना चाहिए और माँ उसकी ही तहसी है मैं आप सबको कहता हूं नौ महीने दस महीने गर्भ में उसने रखा है कोई भी मां अपने बच्चे की दुश्मन नहीं होती है वो यदि अनुशासन करती है तो उसको करने देना चाहिए अपने को वहां से हटा लेना चाहिए ये उसका विभाग है उसका दायित्व तो है उसको कैसे संभालना है ये मैं भागवत से सिखा रहा हूं आपको ब्रह्मा जी महाराज को भगवान ने प्रेम बहुत दिया और बाद में तो हाथ से क्योंकि ब्रह्मा जी बड़े हो गए थे जब बड़ा बालक हो जाए हमारे यहाँ उत्तर भारत में कहते बेटा हो आप बराबर तो उसको समझो बाप बराबर जब बेटे को बाप का जूता आने लगे जब बेटे को बाप का जूता आने लगे तो समझ जाना चाहिए कि अब बड़ा हो गया इस पर ज्यादा अनुशासन की जरूरत नहीं है मित्रवत आचरित उसके साथ मित्र के समान आचरण करें कोई बात कहनी भी हो तो जैसे मित्र के साथ करते हैं ना उस समय तो बच्चे उसको समझ जाएंगे और उसके आधार पर वो व्यवहार करना प्रारंभ कर देंगे अगर आप अनुशासन करोगे तो बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे आपके नजदीक नहीं रहेंगे और सबसे बड़ी हानि पता है, क्या होती है साथ रह करके भी हम साथ नहीं होते वो सबसे बड़ी हानि है कई बार व्यक्ति दूर रह कर के भी हमारे साथ होते हैं और कई बार हमारे साथ रह कर के भी साथ नहीं होते हैं वो बहुत कष्टदायी है तो ब्रह्मा जी महाराज ने तो ब्रह्मा महाराज ब्रह्मा जी को भगवान ने हृदय से लगा कर कहा बेटा तुम सृष्टि बनाओ बोले सृष्टि बनाऊंगा तो गड़बड़ मामला है क्योंकि जो अपनी रचना होती है उससे प्यार हो जाता है देखो बाप जी का बनाया हुआ मकान हो ना तो कभी भी बेच दो और कभी तोड़वा दो किंतु जिसको खड़े होकर अपने बनवाए हों उसको हेर फेर करने में थोड़ा कष्ट तो होता है कहते है, अरे अपने बनवाया है ऐसे जो अपनी संतानें होती हैं उनसे प्रेम होता है अपनी रचना से प्रेम होता है कि ये बात हमारी रचना है तो सृष्टि में तो परिवर्तन स्वभाव है जो आज हमारा है कल हमारे साथ नहीं रहेगा तो हमको कष्ट होगा ऐसी सृष्टि क्यों बनवा रहे हो तो ब्रह्मा जी को भगवान ने चार श्लोक सुनाए और कहा ये चार श्लोक यदि आपको याद रहेंगे तो आप कुछ भी रचना करो कहीं फंसोगे नहीं इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत और ये समझने लायक है कैसे भी कहीं भी रहो ये समझ लोगे तो काम बन जाएगा इन्हीं चार श्लोकों का विस्तार अठारह हजार श्लोकों में है और हम आपको बिल्कुल सहज सरल भाषा में समझा देते भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि पुत्र जब यह सृष्टि नहीं थी तब मैं ही मैं था और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं ही मैं रहूंगा तो देखो जो आदि और अंत में होता है ना वही मध्य में होता है ये नियम है जैसे आभूषण बनने के पहले क्या था जंजीर है कंगन है आदि आदि जो नाम है सोने के इसके पहले क्या था सोना था और यदि ये आकार गला दिए जाए तो क्या बचेगा सोना तो इस नाम रूप में भी क्या है सोना ये जैसे तरंग जब नहीं उठ रही थी समुद्र में तब क्या था जल और जब तरंगे शांत हो जाएंगी तो क्या रहेगा जल तो तरंग के रूप में क्या है तरंग के रूप में केवल एक उठी हुई लहरी तो है नाम रूप है केवल तरंग का है तो जल ही जल ऐसे ही सृष्टि के पहले परमात्मा और सृष्टि के बाद परमात्मा तो सृष्टि के रूप में भी परमात्मा एक बालक खेल रहा था छोटा सा कहीं बाहर विदेश में उसका घर बना था डाइंग रूम में वो मैं देखने लगा तो मेरा हाथ पड़ गया तो टूट गया वो घर गिर गया घर गिर गया तो मैं बहुत दुखित हो गया कि ये तो घर टूट गया बच्चा बेचारा दुखी होगा मेरे से घर टूट गया तो बालक ने देखा कि महाराज जी दुखी हो गए तो कहता स्वामी अंकल स्वामी अंकल नो प्रॉब्लम अभी ठीक करता हूँ उसने क्या किया वो उसको महाराज मटेरियल तो था ही उसके जोड़ थे उसने उठाया ऐसे ऐसे फिट कर दिया फिर कमरा बन गया तो हमको लगता टूट गया वो टूटा नहीं था उसके अलग अलग पार्ट हो गए थे और उसको जोड़ना आता था तो हमने को जैसे उसने कहा तो हमने कहा अरे ये तो काम हमारे काम की बात है जिस संसार को मैं टूटा हुआ समझता हूं भगवान की दृष्टि में टूटा हुआ होता है क्या वो तो मटेरियल है वो तो फिर बना देंगे तो जिसको हम मरा हुआ मानते हैं टूटा हुआ मानते हैं बिछुड़ा हुआ मानते हैं ईश्वर की दृष्टि से कुछ बिछुड़ा उछुड़ा नहीं है आपको बताएं कोई मर भी जाता है तो पंच महाभूतों में बोलने दो बोले बैठो चारों में जाओ अपना काम करेगा करने दो करने दो वो अपना मम्मी संभाल लेगी उसका विभाग है अब ये देखो ब्याज मूल से ब्याज कितना प्यारा होता है मम्मी को परवाह नहीं रहती है कि तो दादी पूरा ध्यान रखती है क्या बोला कैसे ये यही विशेषता ऐसे आप भगवान के भक्त के हो जाओगे ना तो दादी रूप भग... किशोरी जी हमारे पीछे पीछे घूमेंगी कि भाई संभालना इसको है तो ये प्रत्यक्ष देखने को ही मिलता है आप सब जगह यही नहीं अभी आप लोगों के भी है ऐसे आप ही आने दो फिर बहू से भी झगड़ जाओगी कि तुम इसको ध्यान नहीं रखती हो अभी तो कुछ नहीं बोलती बाद में कहोगे नौकरी छोड़ो अब नहीं चलेगा ये नौकरी काम इतने दिन तुम्हारी सुन ली अब इसको कौन देखेगा वो जब तक अभी बाल गोपाल आ नहीं तभी तक नौकरी कर ले हो फिर पापा भी पीछे पड़ेंगे तुम भी पीछे पड़ोगे उसका पति भी पीछे पड़ेगा कि बस अब हो गया अब इसको संभालो भाई उसको जैसे आज ये हृदय का खेल है सबके किसी के नहीं ऐसे नहीं भगवान की संरचना ऐसी है एक दिन मैं सोच रहा था इसके पीछे भी रहस्य है अगर ये ना हो तो समाज जुड़ेगा नहीं बिखर जाएगा ये चीजें समाज को जोड़ने का हेतु है परिवार को जोड़ने का हेतु है अब जब ये देखो इसलिए पशुओं में नहीं होता पक्षियों में नहीं होता तो पशु और पक्षियों में इसलिए उनके परिवार नहीं होते एक घोसले में आपको एक ही पक्षी, पक्षी मिलेगा नर और मादा बच्चे तभी तक रहते जब तक उड़ना नहीं जानते और वहां परिवार नहीं रहता पशुओं में भी मनुष्य का जो परिवार जोड़ के रहता है संग रहता है ये भगवान ने जो माया डाल रखी ना ये चपकाने वाली है तो मैं निवेदन कर रहा था कि आप लोग उस तत्व को पकड़ो वो तत्व जो है उसी का नाम परमात्मा तत्व है उसी का नाम ब्रह्म तत्व है पश्चात यो अवशिषेत सोस में हम मैं वही हूं जो शेष में रह जाता है दूसरी बात कही कि ये जो जगत दिख रहा है आपको ऋतेर्थ ऋतीर्थम यद प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि यद विद्यात्मनो मायाम यथा भासो यथा तम अच्छा कई बार चीज होती है किंतु तो दिखती नहीं है और कई बार चीज होती नहीं है दिखती है आप लोग कहोगे ये कैसे कह रहे हो जो होगा वो दिखेगा जो नहीं होगा वो नहीं दिखेगा हमारे और आपके बीच में लाखों कीटाणु हैं छोटे 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 किंतु हमको आपको दिख रहे हैं बहुत छोटी चीज भी हमको नहीं दिखती अच्छा एक बात बताओ हमारे और आपके बीच में हवा है कि नहीं किंतु दिख रही है ऐसे यहां परमात्मा भी है किंतु दिख नहीं रहा है ये मत समझना कि जो दिख रहा है वो है जो नहीं दिख रहा है वो नहीं है ऐसा नहीं है आपको होता है स्वप्न दिखता है किंतु होता नहीं है दिखता सबको है किंतु होता नहीं ऐसे ये जगत है नहीं किंतु दिख रहा है ये धीरे 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 आप अभ्यास करोगे तब इसका पता चलेगा ये विज्ञान है एक राहु और केतु गगन में है किंतु दिखते नहीं है आपको अन्य नक्षत्र दिखते हैं किंतु तो तब भी उनकी सत्ता है अच्छा कई बार चंद्रमा एक है किंतु तो आंख में दोष हो जाए तो दो दिखने लगते हैं अब हमको एक अभी बीमारी हो गई है अभी दिला इलाज करा, करा रहा हूं सो के उठता हूं तो पूरी छत में दीवार में चीटियां दिखती हैं पहले तो लगता था इतनी चीटी आ कहां से गई फिर हमने डॉक्टर स्वामी जी को बताया वहाँ कई डॉक्टर हैं फिर अभी दिखाया तो पता चला कि कोई लिक्विड होता है वो सूखने लगता है तो फिर इस प्रकार का दर्शन होता है अभी चीटियाँ दिखती ज़्यादा होगा तो फिर और बड़े दृश्य दिखेंगे कुछ अन्य अन्य दिखने लगे ये दोष है अब वह चीटियाँ है नहीं दिखने लगे तो हम इनको खुश नहीं होना चाहिए कि हमको तो आँख तेज हो गई जो चीज़ नहीं वो नहीं दिख रही है या दिख रही है तो चंद्रमा दो यदि दिखने लगे तो ये मत समझना कि हमको हमारी आंख तेज हो गई है हमारे आंख में दोष आ गया है है नहीं दिखाई पड़ रहा है और है किंतु दिखता नहीं है ऐसे परमात्मा यहां है किंतु दिख नहीं रहा है और जो नहीं है वो दिख रहा है किंतु भगवान इस सृष्टि को बनाकर इसमें प्रविष्ट हो गए हैं किंतु भगवान ये हुए नहीं है प्रविष्टान्व प्रविष्टेश न तेसु न तो छाया ही किंतु छाया को शक्ति देने का सामर्थ्य परमात्मा का ही है दूसरा कोई है नहीं इसलिए परमात्मा हर रूप में वही है किंतु एक बात ध्यान रखना मैं कई बार हंसता हूँ कि अगर हर रूप में वही है तो ये जो प्रेमी लोग कहने लगते हैं कि तुम में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तो बेचारे कोई दोस्त तो नहीं करते उनको अपने प्रेमी में परमात्मा दिख रहा तुझ पे रब दिखता है किंतु तो ये रब कब तक दिखता है जरा कभी ध्यान रखना ये रब की आयु बहुत ज्यादा नहीं है ये रब की आयु ज्यादा नहीं है जिस दिन वो सुनेंगे नहीं उस दिन रब नहीं दिखेंगे जिस दिन घुमाने नहीं ले गए जिस दिन सुना नहीं जिस दिन बात नहीं मानी तो फिर रब की जगह पता नहीं क्या दिखते हैं ये जो रव दिखता है है तो रब ही दिखता नहीं सच में रव है किंतु तो इसकी आयु कितनी है ये रहस्य जब आप समझोगे तो फिर सतत दिखेगा अनुकूलता में भी दिखेगा प्रतिकूलता में भी दिखेगा इसको समझने के लिए अन्वय व्यतिरेक आप भी सर्वत्र सर्वदा अन्वय और व्यतिरेक से समझें। अब इस अन्वय और व्यतिक की चर्चा हम कल करेंगे आज 35 मिनट ज़्यादा हो गया <laughs> कोई बात नहीं कल चर्चा करेंगे कल थोड़ा कल नंदोत्सव भी होने वाला है कल है ना कल ही है नंदोत्सव कल तो बहुत अच्छे चरित्र आने वाले हैं आपको संक्षेप में ध्रुव चरित्र प्रहलाद चरित्र समुद्र मंथन की भी कथा सुनाएंगे बावन भगवान का भी चरित्र और इन सब का रहस्य ध्रुव चरित्र का रहस्य क्या है प्रहलाद चरित्र का रहस्य क्या है और उससे हमारा संबंध क्या है द्रु से हमारा संबंध क्या है प्रहराज से हमारा संबंध क्या है समुद्र मंथन से हमारा क्या संबंध है समुद्र मंथन की कथा हम क्यों सुने बावन भगवान ने विराट बनकर के बलि को ठगा इससे हमारा क्या लेना देना है ठगा होगा जब कभी ठगा होगा अपने राम को तो ठगने वाले हैं नहीं किंतु हमारा भी उससे संबंध है और भगवान किसके घर में आते हैं वसुदेव के यहाँ ही क्यों आए देवकी के यहाँ ही क्यों आए हमारे पास क्यों नहीं आते इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको कल मिलेंगे कुछ संक्षेप में कुछ विस्तार में उसकी चर्चा सुनने के लिए अब ये कथा रोज रस की ओर बढ़ रही है कल तो आसान कल तो हमारा रसगुल्ला आ जाएगा और उसके बाद जो चरित्र है ठाकुर जी के इतने रसीले हैं मैं आपको पाँच घंटे भी सुनाऊं तो आपको पता नहीं चलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि तो ये चित्त को पकड़ लेती है लीलाएँ वो सब लीलाओं की चर्चा क्रमशः करेंगे अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना हमारी मति हमारी रति हमारी गति एकमात्र उनके चरणों में बनी रहे इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणार्विंदों में समर्पित अब हम सब्भावपूर्ण हृदय से भागवत भगवान की आरती करेंगे आरती करके प्रसाद लेकर आप सब प्रस्थान करिएगा या जो भी यहाँ की गतिविधि हो ऐसा मत समझना कि प्रसाद लेकर भाग जाओ कौन तो भोजन बना रखा रह जाएगा तो कहेंगे महाराज जी ने तो विदा कर दिया था तो जैसे जो विदा जिसकी है वो सब करके आप लोग जाना वो भोजन का विभाग हमारा नहीं है सब अपने शिल्पी बहन का है वो जिसको खिलाना चाहें तो खिला देंगे <laughs> अपने राम को जो खिलाना था खिला दिया अपनी छुट्टी अभी हम